कोर्ट के बाहर मेरी फिर बाद में गाड़ी तोड़ दी और उसके बाद चार लोग कुछ और आए जिनका मैं फेस भी नहीं जान पा रहा था। फिर उन्होंने धमकियां भी दी है, सलिया भी पैर वैर पे मारने लग गए। एक अदालत होती है जिसका अंदर जज बैठा होता है, ऐसे वो एक वो क्या कटघरा होता है जिसके अंदर आता है, उसको गीता दी जाती है ऐसे कि आप शपथ हो। क्या ये वाकई सच में ऐसा होता है? कांस्टेबल ने मुझे बोला कि अब आपको कोर्ट आना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे क्यों कोर्ट आना? मुझे कोर्ट की तरफ से लेटर आ गया, समन आ गया कि अगर आप कोर्ट में पेश नहीं हुए तो पता है कि यस मुझे क्रिमिनल को सपोर्ट करना, उसको बाहर निकालना है। उस साइकोलॉजी किस तरह से हैंडल करते हो? मतलब वो एक अंदर की इंसानियत को मारना और सिर्फ पैसे के लिए काम करना, वो किस तरह से करते हैं? नहीं, लॉयर्स भी ऐसी चीज़ होती है ना, ये भी एक इंटरेस्टिंग है। झूठ को सच करना, सच को झूठ करना भी हमारे पास चीज़ होती है। काफ़ी सारे मतलब ऐसे आते थे, एक्सटॉर्शन कॉल्स आते थे कि बच्चे को तेरे को उठा के, मतलब मैं उसको उठा लूँगा, बीवी बच्चों को मार दूंगा, ये इस तरह से कॉल्स आते रहते हैं। नॉर्मल है, ये जो टीवी में दिखाते हैं वो सच है। हाँ, आप अभी भी किसी हाई कोर्ट में जा सकते हो, सिविल कोर्ट में जा सकते हो, किसी भी प्रोसीडिंग्स देख सकते हो। और रैंडम एंट्री मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी या फिर क्या? अरे कुछ लोग तो सिर्फ एसी का हवा खाने आ जाते हैं। जैसे किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं ना, तो पकड़ते हैं कस्टमर्स को कि हाँ क्या कराना मुझे बता क्या कराना। तो मुझे वहाँ जाके ये लगा कि लॉयर बनने के लिए आपको पहले तो 5 साल की पढ़ाई करनी होती है, मतलब लाखों सेक्शंस याद करने होते हैं, इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं। और उसके बाद भी ये कंडीशन आती है कि कुछ लॉयर्स को इस तरह से अपना सर्वाइवल करना पड़ता है। हाई कोर्ट में तो सिर्फ इंग्लिश ही बात करता है। अच्छा, उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं है। और किसी लॉयर को इंग्लिश ना आती हो बोलने और उतना कंफर्टेबल, दूसरे लॉयर्स को हायर करना होगा। 3 ऑर्गेनाइजेशन कभी फेल नहीं होती है। हाँ। एक है हॉस्पिटल्स। करेक्ट, हॉस्पिटल्स कभी बंद नहीं होगी, वो हमेशा चालू रहती है। कोरोना के टाइम में भी वो चालू थी और उसको बंद नहीं कर सकते हैं। वो एक बिजनेस नहीं है, वो चलता ही रहेगा। बिजनेस तो है ही वो अभी, लेकिन उसको बंद नहीं किया जा सकता। दूसरा है डिफेंस सेक्टर। करेक्ट, डिफेंस भी बंद नहीं कर सकते हैं कि भाई आज छुट्टी ले रहे हैं, आज कुछ नहीं है, आप तो कोई भी कब्जा कर लेगा आपका जमीन। तीसरा था लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक भी कभी बंद नहीं होता। नहीं, एज अ किड आपने कितना प्रिविलेज लिया और कितना रेस्पेक्ट मिलता है आपको अनइंटेंशनली इंटेंशनली कि अरे यार इसके पापा तो इनकम टैक्स ऑफिसर है। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि गुप्ता और बातचीत का आज हम 3rd एपिसोड शूट कर रहे हैं। पहला एपिसोड मैंने शूट किया था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ, दूसरा एपिसोड मैंने शूट किया एक कंसल्टेंट के साथ, और आज तीसरा जो है वो एक बिल्कुल अलग फील्ड है, वो एक लॉयर की फील्ड है। मेरे साथ है पंकेश। पंकेश जो है हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं, अमेजन जैसी कंपनीज में काम कर चुके हैं। पंकेश, मेरे से ज़्यादा अपने बारे में कुछ बात करूँगा। हाय गाइस, थैंक यू फॉर सर। मैं पंकेश हूँ और मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ एंड 2014 बैंगलोर को आया था, लेकिन बैंगलोर इस यहाँ 2014 बैंगलोर में आने के बाद मैं बैंगलोर का हो चुका हूँ। तब से बैंगलोर में ही हूँ। ठीक है पंकेश भाई, मुझे ना बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछना है आपसे। ऐसा कहते हैं क्योंकि हम ना मूवीज़ देख के बड़े हुए हैं या फिर वेब सीरीज़ देख के बड़े हुए हैं, और उसके अंदर एक कोर्ट ना कहीं कोर्ट का सीन आ जाता है। एक अदालत होती है जिसके अंदर एक जज बैठा होता है, ऐसे वो क्या कटघरा होता है जिसके अंदर आता है, उसको गीता दी जाती है ऐसे कि आप शपथ हो। क्या ये वाकई सच में ऐसा होता है या फिर सब ये पार्टली राइट है पार्टली रॉन्ग है? क्योंकि मूवीज़ में जो दिखाते हैं वो सत्य नहीं होती, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस होता है। हाँ। जज को जिस तरह से लॉयर चिल्लाता है तुम क्या कर सकते हो, ये ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं जज फाड़ देगा, ये नहीं हो सकता। बहुत मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल। मतलब अगर आपकी केस सही भी रहेगी लेकिन आप अगर कोर्ट में पेशा नहीं रहे हो अपनी पूरी डिसेंसी, तो आपका केस भी रद्द किया जाएगा और आपके केस के अगेंस्ट भी जूरी भी कर सकती है। लकीली एक बार मैं कोर्ट गया था, मेरा फ़ोन चोरी हो गया था दिल्ली के अंदर। अच्छा। फ़ोन चोरी हुआ तो मुझे मतलब ऐसा हुआ कि कंप्लेंट करवाई मैंने कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया, और मैंने उस कंप्लेंट को जारी रखा। कांस्टेबल ने मुझे बोला कि अब आपको कोर्ट आना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे क्यों कोर्ट आना पड़ेगा? हाँ, कोर्ट आना है केस बंद करवाने के लिए। अरे मैंने कहा मुझे केस बंद नहीं कराना। कहते नहीं, आपने उनसे पूछा कि मतलब ये किस चीज़ के लिए था ये? हाँ, उन्होंने बोला कि केस बंद कराना पड़ेगा और आपको उसके लिए कोर्ट आना है, और मैंने कहा कि ठीक है मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरा ऑफिस रहता है, मेरे पास टाइम नहीं होगा। मुझे कोर्ट की तरफ से लेटर आ गया, समन आ गया कि अगर आप कोर्ट में पेश नहीं हुए तो आपको। मैंने कहा भाई साहब यहाँ तो साला मैं खुद कंप्लेन कर रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ हो गया है और कोर्ट की वो आ गया। तो लकीली फिर मैं कोर्ट गया फर्स्ट टाइम और मैंने कोर्ट का वो वाला सेटअप देखा। वहाँ पे एक जज थी, जज के पास इतनी सारी फाइलों का अंबार था। तो मुझे लगता है कि वो अलग अलग केसेस के से कई सारे लोग आए हुए होंगे और वहाँ पे तो फोन चलाने के अलावा नहीं था, मतलब मैंने क्योंकि मैं उन दिनों जो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता था और मेरे को कॉल्स बहुत आते थे, जैसे भी कॉल बजा तो कॉल आते थे, तो मैंने जैसे उठाया तो पागल हो गए वहाँ के लोग कि ये कैसे कॉल उठा लिया, तुम्हारा फ़ोन सबमिट होगा, ये होगा वो होगा। तो मैंने कहा सर मैं जर्नलिस्ट हूँ और मुझे यहाँ पे आना पड़े क्योंकि ना 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 और ये सारी चीज़ें। तो वो कोर्ट का सिनेरियो जो मैंने देखा वो बिल्कुल अलग है और जो मूवीज़ में देखते हैं वो बिल्कुल अलग है। कोर्ट में अगर आप कैमरा लगा रहे हो और कुछ रिकॉर्डिंग करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा प्रोसीडिंग्स, कोर्ट प्रोसीडिंग्स वो अलाउड नहीं है वहाँ पे कैमरा से, और दूसरी चीज़ अगर आपका फ़ोन बजता है तो आपको उठाना तो बिल्कुल भी नहीं है, उठा लिए तो फिर गया, मतलब या तो मतलब 2000 रुपये में आपको वो छुड़वाना होगा। अच्छा हाँ, 2000 तक ही फाइन है, और अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा और आपने मना लिया सॉरी बहुत है, मैं अभी निकल रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं अभी मैं निकल रहा हूँ, ऐसे भी किए ना तो भी आपका 2000 बच जाता है। लेकिन आपका अगर केस आने वाला है, आप वापस से उनकी शक्ल दिखाने वाले हो, तो फिर आपका 2000 तो पक्का गया, क्योंकि वो शक्ल वो याद रहेगी कि भाई तेरा फ़ोन बजा था ना। मतलब जब आपका तारीख जब भी आ रहा है, आपका जब भी टाइम आ रहा है, जब सब जज के सामने जब झगड़ा करते हो, आप आर्ग्यू करते हो, तो आर्ग्यूमेंट के टाइम पे जब उस वक्त आपकी शक्ल वापस दिखाई देती है तो फिर वो केस तो रह जाता है, वो सिर्फ जज यही चीज़ पे बेचता, तेरा ही फ़ोन बज रहा था ना, तेरा तो सबसे पहले फ़ोन दे। तो 2000 डिपॉजिट पर मैं, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। फ़ोन एक बार मेरे लिए तो मतलब मैं तो जूनियर था, मुझे लगा कि एटलीस्ट मुझे मतलब एक बार तो एटलीस्ट एक्सक्यूज़ किया जाएगा, नहीं पैसे दो। हाँ, और मैं तो जा भी नहीं सकता था क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा था मेरे मतलब एज ए जूनियर था मैं, तो मैं जा भी नहीं सकता था। और जब मेरा टाइम आया, मैं जब बात कर रहा था, पहले तो तू 2000 रुपये दे या तो फिर मोबाइल दे दे, मोबाइल तो दे नहीं सकते तो 2000 पे करना पड़ा था बकायदा। मैं एक वीडियो देख रहा था और एक स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हैं जो वृंदावन से अपने प्रवचन देते हैं। रिसेंटली वो बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए क्योंकि विराट कोहली ने उनके आश्रम में विजिट किया और उसके बाद से उनकी कई सारी वीडियोस जो है वायरल होने लगी और वो बातें बहुत अच्छी करते हैं, तो मैं उनको अक्सर सुनता हूँ। तो रिसेंटली उनके पास एक लॉयर आए और उन्होंने बोला कि क्योंकि मेरा जो पेशा है वो लॉयर का है और मुझे जो है केसेस लड़ने पड़ते हैं, तो कई बार केस ऐसे आते हैं जिसमें मुझे पता होता है कि मैं इस इंसान ने वो जो है क्राइम किया है या गुनाह किया है, लेकिन फिर भी मुझे वो केस लड़ना है। Yes. उसके लिए मेरे अंदर से नहीं आ रहा होता क्योंकि वो मेरी कमाई का पेशा है जिससे मुझे पैसे मिलेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो मुझे करना पड़ता है। तो हालांकि उन्होंने तो कहा कि अगर आपको सारी चीज़ें पता होती तो आपको सब चीज़ें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो आध्यात्म वाली बात कर रहे थे। मुझे ये जानना है कि अगर ऐसा सिचुएशन आए और क्योंकि आपको पता चल जाता है ना, ऑल्दो सारी चीज़ें जो हैं सारी प्रूफ्स पे डिपेंड करते हैं क्योंकि जो जस्टिस मिलता है वो सब प्रूफ्स पे होता है ना, लेकिन स्टिल आपको पता होता है कि कौन सच है कौन नहीं है। तो ऐसा केस अगर आपके पास आता है या फिर आपके नॉलेज में किसी के पास आया है या आपने हैंडल किया है जिसमें आपको पता है कि यस मैं मुझे क्रिमिनल को सपोर्ट करना है, उसको बाहर निकालना है, वो साइकोलॉजी किस तरह से हैंडल करते हो? मतलब वो एक अंदर की इंसानियत को मारना और सिर्फ पैसे के लिए काम करना, वो किस तरह से करते हैं? नहीं, ये इंसानियत की बात नहीं है। देखिए, जब हम लॉ कंप्लीट करते हैं उसके बाद हमें एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है। वो जब हम पास आउट हो जाते हैं, जब हमें लाइसेंस मिलता है तो हम शपथ लेते हैं। तो इंसान अगर गुनहगार हो या ना हो, जस्टिस ऐसा नहीं है कि गुनहगार भी अगर जिस तरह से अगर उसने गुनाह किया होगा, पूरा का पूरा गुनाह उसका नहीं होगा। 7 साल की जगह उसे 5 साल दिलवा सकता हूँ या 3 साल दिलवा सकते हैं, या तो हो सकता है कि उसको सिर्फ वो माफ़ीनामा बनाकर उसको वो करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। लेकिन अगर कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिसको हम जघन्य अपराध कर देते हैं, है ना, मैं बहुत ज़्यादा हिंदी यूज़ करूँ तो, जिनको देखकर या सुनकर ही ऐसा लगता है कि इनको तो कुछ नहीं पता, ये ना जनता कहती है हुआ तो ये अजमल का साहब का ही केस था, जैसे अजमल का साहब का केस हो गया, सलमान खान का निर्भया केस हो गया, है ना, है ना। तो आपको पता था कि निर्भया के साथ ऐसा हुआ है, तो उनके पक्ष के लॉयर की तरफ से ये दलील दी गई थी कि ये तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे, ये फेक केसेस में उन्हें फंसाया जा रहा है। एक रिलेटेड बुक भी आई थी उससे रिलेटेड जो मैंने हल्की बहुत थोड़ी बहुत पढ़ी थी, उसमें ये था कि जितना भी सब केस बनाया गया ये प्रोपेगेंडा था, ये ऐसे नहीं है, इस टाइप से वो किया गया। वहीं जनता का ये रहता है कि तुरंत, मतलब जो हमारी जो इंडियन कोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा सालों साल पेंडिंग केसेस चल रहे होते हैं ना, बहुत मतलब कि आज चालू हुआ है तो पता नहीं कब जाकर खत्म होगा। नहीं अभी वैसे सिचुएशन नहीं, लेकिन हो रहा है मतलब। हाँ, ये परसेप्शन आप बता रहे हो, ये अभी फास्ट हो रहा है, फास्ट रिपोर्ट्स अभी स्टार्ट हो, लेकिन आई गेस वो उतने भी फास्ट नहीं है जितना कहते थे। क्योंकि हम जैसे जो लॉयर्स भी ऐसी चीज होती है ना, ये भी एक इंटरेस्टिंग है, झूठ को सच करना, सच को झूठ करना भी हमारे पास चीज़ होती है। और हमारा लॉ इस तरह से बनाया गया है कि अभी मेरे पास कोई एग्जाम्पल तो अभी ऐसे फुल प्रूफ नहीं है, एक ऐसा चीज़ है जो लॉ में बनाया गया कि जहाँ पर लॉ बनाया गया आपको सपोर्ट करने के लिए, वहाँ एक ऐसा भी एक आर्टिकल या फिर एक ऐसा सिचुएशन है जो आपको वहाँ से बाहर भी निकालता है। तो फिर ये दोनों तरफ से आपको मतलब एक क्या कहते हैं, ये केस को आगे बढ़ाने काम आता है। इसको डिले टैक्टिक्स भी कहते हैं हमारे इसमें। तो ये डिले उस तरह से ये होते ही रहता है, इसलिए तारीख पे तारीख आती है। तो वो तारीख पे तारीख वाला जो डायलॉग है, खैर इसमें मुझे अभी मैं थोड़े पहले प्रश्न पे आऊँगा अपने कि जब आपको ये पता हो कि जिसका आप साथ दे रहे हो उसने क्राइम किया है, हाँ, और फिर भी आप कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसे चाहिए, क्योंकि बेसिक सी बात है आपको अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो उस चीज़ को कैसे वो करते हैं, वो उस चीज़ को कि मतलब कि हाँ पता है मुझे और इन केस मेरी इतनी कैपेबिलिटी है तो मैं इसको छुड़ा लूँगा ना, राइट। हाँ, अभी कैपेबिलिटी की भी बात नहीं है यहाँ पे, कैपेबिलिटी भी एक चीज़ आती है, कैपेबिलिटी है तभी आप लॉयर बने हो, कैपेबिलिटी नहीं है तो आप लॉयर के फील्ड में आ भी नहीं सकते हैं कि यहाँ पर। और एक अलग तरीके से भी एक जिगरा लग ही रहा है, ये एक अलग सा केस है, उसके बारे में मैं बताऊँगा जहाँ पर मेरा जिगरा टूट चुका था। ये मतलब कहना ये था कि जब आपके पास एक कोई एक पर्सन आता है अपनी केस लेकर और वो गुनहगार है, और आपको उसका केस सुन के आपको समझ में आता है कि ये केस इसके पास ही है, मतलब इसी ने किया, तो आपके पास चॉइस है इन द बिगनिंग ना उसको करने का कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन है जो उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ ये आपका केस लड़ लेगा लेकिन ये मैं नहीं कर पाऊँगा, वो एक ऑप्शन होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ लॉयर्स लोगों का एक फेम, शॉर्ट में फेम होने का एक जरिया होता है, जैसे एक नेगेटिव फेम में भी हो गया, नेगेटिव फेम में भी लोग अगर ध्यान में रखेंगे, जैसे सलमान खान का लॉयर अगर हो गया, उसको नेगेटिव में उसको देखा जा रहा था, सबको पता है कि उसने किया है ये क्या। मैं ये जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, मोस्टली सब लोग यही कह रहे हैं, परसेप्शन यही है सबका, लेकिन उनके लॉयर्स ने तो यही बात कर दी कि भाई अगर डियर को भी, उस ब्लैकबक को भी उसने जो शूट किया है, वो ब्लैकबक शूटिंग के टाइम पर वो ब्लैकबक बीच में है, गोली के बीच में वो आया, वो शूट कहीं और कर रहा था, तो ये प्रूफ उसने जब किया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि लोग उन तस्वीरों को याद रखते हैं, उन लॉयर्स के चेहरे को याद रखते हैं, और उनका बिजनेस उस तरह से चलता रहता है। और अगर इस चीज़ को उसने प्रूफ भी किया तो नन वॉयला, तो वो तो फेमस हो ही जाता है, एंड देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वन आफ्टर अनदर केसेस आते ही रहता है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन अगर आपको पैसे से कुछ लेना नहीं है या फिर आपको उससे क्या कहते हैं फेम से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप सीधे सीधे उसे ना कह सकते हो। तो बेसिकली अपने ज़मीर को मार करके आप ज़मीर को मारना ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि आपको ऑप्शन है, ऑप्शन है, यस, जो ऑप्शन चूज नहीं कर रहे, हाँ, और जो ऑप्शन मारना पड़ेगा, हाँ, तो उनका मतलब ऐसा है कि भाई मैंने यू हैड पेड मी, आई मीन मुझे वो करना ही पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, और जहाँ तक ये केस चलेगी मैं आपको सपोर्ट करूँगा, वो एक चीज़ उन लॉयर्स के पास होती है। तो कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर चॉइस आता है, यू कैन हैव अ चॉइस लाइक हाँ या ना, और जहाँ पर चॉइस नहीं है या फिर वो भी अगर गन पॉइंट पे रखता है और कहता है नहीं लड़ना ही है, तब भी आपके पास चॉइस नहीं, तब तो करना ही है फिर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे भी एक बार कोर्ट जाना पड़ा था, और जब मैं कोर्ट गया ना तो मैं 30,000 कोर्ट गया था डेली के अंदर, वो भी हाई कोर्ट ही है। जब मैं वहाँ गया तो मैंने नोटिस किया कि कई सारे जो लॉयर्स हैं वो वहाँ पे एक उनका एक छोटा सा सेटअप होता है, जैसे मान लो ये एक छोटा सा सेटअप लगा के बैठ जाते हैं, और वो जैसे किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं ना तो पकड़ते हैं कस्टमर्स को कि हाँ क्या कराना मुझे बता क्या कराना है। तो मुझे वहाँ जाके ये लगा कि लॉयर बनने के लिए आपको पहले तो 5 साल की पढ़ाई करनी होती है, मतलब लाखों सेक्शंस याद करने होते हैं, इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं, और उसके बाद भी ये कंडीशन आती है कि कुछ लॉयर्स को इस तरह से अपना सर्वाइवल करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मैं जितना लॉयर्स के बीच में रहा हूँ, जितना लॉयर्स को जानता हूँ, वो ये कहते हैं कि अगर आपका लॉ चल पड़ा तो वारे नहीं आ रहे, अगर आपका नहीं चल पड़ा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसी स्थिति क्यों है, क्योंकि नॉलेज तो सेम ही है ना। नहीं देखिए, अगर ये स्थिति बताऊँ तो उस स्थिति का एक फैक्ट भी मैं बताता हूँ, हर कोई लॉयर नहीं बनता, ठीक है। कुछ लॉ स्कूल में जाते हैं लेकिन हर किसी को डिग्री नहीं मिल पाती क्योंकि कोई पास नहीं कर पाता। आपने बिगनिंग में ही कहा कि लाखों केसेस पढ़ने पड़ते हैं, केस लॉज पढ़ने पड़ते हैं और फिर बाद में सेक्शन रिसाइड्स करने पड़ते हैं, वो उनके दिमाग में नहीं जाता। तो ये लॉयर्स क्या करते हैं, ये लॉयर्स कोर्ट्स के बाहर रहते हैं, ये जनता को अप्रोच करता है जो भी वहाँ पर आया है, फर्स्ट अप्रोच। एंड जो एक्चुअल लॉयर्स बैठे हैं जो ये केस डिफेंड कर सकते हैं, ये केस को आगे ले जाते हैं, तो ये 40-60 का एक चीज होता है कि मैं लाया हूँ ये केस, इसका 40% मेरा होगा। बस ये तो डिपेंड करता है ग्रेविटी ऑफ द केस पे। ये लॉयर्स मोस्टली वही होता है, लेकिन जिनका अगर ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं हुआ है वो लॉयर तो बन गए लेकिन उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है अपना एक लाइब्रेरी खोलना या फिर एक ऑफिस खोलना। उनकी एक स्ट्रगल होती है, वो जो यहाँ से भी शुरुआत करते हैं वो डायरेक्टली कोर्ट के बाहर से वो करते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। अच्छा, मेजॉरिटी जो होते हैं वो जिसको बोलते हैं कि लॉयर्स तो या स्काउंडल्स होते हैं, ये कोर्ट के बाहर वाले। ऐसा भी होता है क्या कि लेट्स अज्यूम कि कोई लॉयर बना और उसके पास एक केस आया वो हार गया, दूसरा केस आया वो भी हार गया, तीसरा केस आया वो भी हार गया, तो एक नेगेटिव इमेज बन जाती है कि इस लॉयर के पास बन जाती है, लॉयर से कुछ नहीं होगा। हाँ यस, बन जाती है। लॉयर्स ही आपस में यही चीज़ बोलते रहते हैं कि नहीं उसके पास मत जाइए, उसका क्या केस ले रहे हो, ये तो फिर ये तो हारते जा रहा है, ये इससे मत लीजिए, मेरे से ले लीजिए, मेरा विनिंग रेशियो देखिए कैसा है। ये तो चलते ही रहता है अमूमन। एक विनिंग रेशियो जैसे आपने मुझे बताया, एक सक्सेसफुल अगर मैं किसी लॉयर की बात करूँ, सारे केस जीता तो आई गेस मुश्किल होता होगा, लेकिन स्टिल नहीं आसान होता है। ना ना ना, आसान मतलब ऐसा है कि देखिए मोस्टली है ना केस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रहे हैं, केस कोर्ट तक जा रही है लेकिन कोर्ट के बाहर ही सब सेटलमेंट हो रहे हैं, क्योंकि अब जनता इतनी सहनी हो चुकी है कि है ना उनको 4 साल 5 साल 10 साल तक रहना नहीं है। हाँ, तू बता तुझे क्या चाहिए, मुझे इतना चीज़ चाहिए, आप मेरे इधर तक कुछ हद तक आइए, मैं आपके हद तक कहीं तक जाता हूँ और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है। उसमें ये दो लॉयर्स आपस में बात करते हैं, इन पूरे प्रोसेस को आर्बिट्रेशन बोलते हैं। ओके, कंसिलिएशन भी बोलते हैं लेकिन वो मैरिज के लिए होता है। तो ये अलग अलग फील्ड है। तो अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है तो आपका केस मतलब जस्ट विद इन लाइक अ डे और टू खत्म हो जाता है। फास्ट ट्रायल जैसे क्या, ये एक्चुअली फास्ट ट्रायल नहीं है, बस आपने कर दिया, मैंने कर दिया, मैं एक बॉन्ड पेपर बनाता हूँ, पेपर में मैंने ये चीज़ लिख दी, एग्रीमेंट हो गया, तू ये मानता है, तू हाँ 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 ये कर रहा हूँ, मैं ये हाँ चीज़ पे हाँ करता हूँ, मैंने दे दिया, उस पे दोनों लॉयर्स के रहेंगे और दोनों लॉयर्स इस चीज़ को एग्जीक्यूशन में लग जाएंगे। तो फिर भी अगर वैसे कहूँ तो एक सक्सेसफुल लॉयर का विनिंग रेशियो परसेंटेज कि इतना आ रहा है तो वो सक्सेसफुल है ना, वैसा नहीं होता। सिर्फ नाम पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ नाम पे डिपेंड कर रहा है। और उसकी ऑफिस कितनी चकचकाहट है, हाँ, वो कैसे गाड़ी में घूम रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, मोस्टली इससे भी जज कर लेते हैं। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, मैंने देखे हैं। और मैंने लॉ छोड़ा तो उसके बाद भी मुझे मतलब केसेस आते ही गए। क्यों छोड़ा आपने लॉ? जैसे मैंने बताया था, तो लॉ में मतलब एक ऐसी चीज़ होती है कि आप अगर एक इंसान को डिफेंड करते हो, हाँ, तो ऑटोमेटिकली अपोजिट आपका एनिमी बन जाता है, आपका पर्सनल राइवलरी बीच में आ जाती है। ना, पर्सनल राइवलरी नहीं है, मतलब आप कटघरे में खड़े हो, हाँ, आपका लॉयर है आपको डिफेंड करने के लिए, हाँ, मैं एक लॉयर हूँ, मैं अपने क्लाइंट को डिफेंड कर रहा हूँ, हाँ, मैंने अपने क्लाइंट को इस तरह से डिफेंड किया और मैं जानता हूँ, हाँ, माना कि अभी ये उस सिचुएशन को देखिए कि मैं गलत पर्सन को, हाँ, जितवा रहा हूँ, हाँ, और मैंने जितवा दिया, हाँ, तो ये पर्सन क्या बनेगा, दोस्त? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, एनिमी बनेगा। हाँ, तो वही हुआ मेरे साथ भी। तो जिस तरह से ये पर्सन जो थे, और अनफॉर्चुनेटली दोनों ही क्रिमिनल्स थे, तो यहाँ से मैं जब ही उनको सपोर्ट किया तो ये तो चले गए, फीस मुझे अच्छा खासा मोटा मिल गया, लेकिन ये इन्होंने क्या किया, कोर्ट के बाहर मेरी फिर बाद में गाड़ी तोड़ दी। और उसके बाद 4 लोग कुछ और आए जिनका मैं फेस भी नहीं जान पा रहा था। फिर उन्होंने धमकियाँ भी दी है, सलिया भी पैर पे मारने लग गए। तो इस तरह से भी हमले जब हुए मेरे ऊपर, तो मुझे ऐसा लगा कि यार लॉ में पैसा बहुत है लेकिन लाइफ बहुत छोटी है। अगर आप क्रिमिनल लॉ करते हो तो आई मीन अगर आप चूज़ करो किसी फील्ड में, तो जैसा मैंने कहा था कि मैं न्यू था, मुझे पता नहीं था और मैं अप्रोच करता गया एज ए जूनियर लॉयर, और पैसा क्रिमिनल में ज़्यादा दिखने लग गया तो क्रिमिनल ले लिया। बट हर चीज़ का एक बाय प्रोडक्ट होता है, इसका बाय प्रोडक्ट था कि एनिमीज़ बनाना। उस दिन मुझे समझा था कि मेरा जो सीनियर एडवोकेट है, वो बुलेट प्रूफ कार में क्यों जाता है? तो क्योंकि लॉ में आई गेस सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग ही जो फील्ड होगी वो क्रिमिनल लॉ होगी। यस, उसमें एब्सोल्यूट मनी है, मतलब पूरी तरह से आपको मतलब आप करोड़ों में कमा सकते हो। हाँ। और क्रिमिनल्स अगर बोल दिए तो उनके पास तो पैसे तो होते ही हैं। वो तो पैसे फेंक देंगे, वो मतलब वो ऐसा चाहते हैं कि मैं कुछ भी करूँ। हाँ। मैं कहीं पे भी जाऊँ। हाँ। बकायदा मुझे वो ये लॉयर छुटकारा दिलाएगा किसी भी चीज़ से। अच्छा, आपने गलत किया है, ठीक है, लेकिन मैं इतना होशियार हूँ, वैसे जैसे मैंने कहा था कि गलत को सच, सच को गलत, ये हम कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैं उसको हर बार करता जा रहा हूँ। तो वो तो मेरा फ्रेंड बन जाता है और फिर वो सपोर्ट करने लग जाता है और पैसे भी उतने ही उस हिसाब से देते रहते हैं। तो इसके ऊपर एक मूवी भी थी मेरे ख्याल से, गोविंदा की कुछ एक मूवी थी, और क्रिमिनल को उसको सपोर्ट करता था, उसको एक बंगला खरीद के दे दिया, उसको गाड़ी खरीद के दे दी। तो मतलब वो एक फ्रेंड बन जाते हैं और पैसे तो क्रिमिनल्स के पास बहुत होते हैं, जैसे मैंने कहा। तो जैसे आपने मुझे बताया कि आपके ऊपर ऐसा अटैक हुआ था, तो एक सिक्योरिटी टाइप्स नहीं मिलती ऐसे लॉयर्स? मिलती है, बट लेकिन मैं उस टाइम जूनियर था। अच्छा, जूनियर में ही था। अब ये इसका अगर लॉन्ग स्टोरी अगर आपको जानना है तो फिर मतलब वो उसको भी मैं शॉर्ट में अगर बता पाऊँ, मैं केस को मैं डिफेंड नहीं कर रहा था, मैं तो जूनियर था। अच्छा, मेरा सीनियर था, सिविल कोर्ट में किसी चीज़ में फंसा हुआ था, उसकी हियरिंग वहाँ पर थी, दोनों क्लैश हो गई। हाँ। तो मैंने जब उनको फ़ोन किया, जब तारीख मतलब जैसे जब हमारी बारी आई जज के सामने, तो उन्होंने कहा कि मैं बिजी हूँ, तुझे तो ये केस के बारे में पता ही है, तू ही लीड कर। हाँ। तो मैं बोला कि मुझे तो सर इसके बारे में पता नहीं है, और उन्होंने कहा कि ठीक है फिर एडजमेंट ले ले। एडजमेंट मतलब तारीख ले ले और एक नेक्स्ट डेट ले ले। एडवोकेट मतलब जैसे जब मैं गया वहाँ पर एज एन एडवोकेट रिप्रेजेंट किया अपने क्लाइंट को, तो जज ने मुझे कहा कि ना, ये आज ही इसका डिसाइड होगा, इसका बहुत सारा तारीख आ चुका है, एंड मुझे इसका आज ही फैसला करना है। आप अपने सीनियर लॉयर को अभी बुलाइए, अगर नहीं बुलाते हो तो फिर ये मैं केस आपके अगेंस्ट डील करता हूँ। ओके, तो यही चीज़ मैंने कहा कि मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं वापस से अपने सीनियर से बात करता हूँ। सीनियर को जब भी मैंने फ़ोन किया तो जब कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास मतलब इसको और कुछ करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तू ही केस लीड कर ले। हाँ। इसमें आगे पीछे कुछ होता है फिर मैं उसको संभाल लूँगा। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। हाँ, वो था एक अपॉर्चुनिटी, एंड देन वो मेरा लास्ट अपॉर्चुनिटी भी बन गया। तो मैंने डिफेंड किया, और क्योंकि केस मतलब जूनियर लॉयर्स क्या करते हैं कि अपने सीनियर्स के लिए सारे चीज़ को पढ़ के रखते हैं। हाँ। कहाँ कौन से केस लॉज इस केस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम प्रेसिडेंट लॉज होंगे जो पहले के अदालत ने इसी सिनेरियो पे जजमेंट लिया होगा। हाँ। तो फिर जो जजमेंट पास होता है ये सेम केस है, तो वो अगर हम लोग अपने जज को देते हैं, सीनियर मतलब सीनियर नहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर। हाँ। तो वो हाई कोर्ट को जब भी देता है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट को मानना ही पड़ता है। हाँ, वो चाहिए वो केस गलत क्यों ना हो, या फिर वो इनका अगर मानना होगा कि ये मुझे ऐसा नहीं लगता है या मुझे ऐसा नहीं लगता, ये ऐसा होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, तब जज के पास कोई एक रूल नहीं होता, उसको सुप्रीम कोर्ट का मानना पड़ता है। तो ऐसे चीज़ें फाइंडिंग्स हम लोग ढूंढते रहते हैं। तो वो पढ़ पढ़ के केस के बारे में मुझे इतना पता चल गया था कि करना क्या है बंदे के लिए, तो वो समझ में आ गया था। इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट किया मतलब जो मतलब पिटिशनर जो थे उन्होंने जो पूरी तरह से केस जो लड़ा था, तो उनका सारा जवाब मेरे पास था ऑलरेडी, और जो जवाब मैं देता गया मेरे पास वो रिटर्न नोट्स पे नोट्स मैं सबमिट करता रहा, एंड देन जो जज था वो सेटिस्फाइड हो गए उस चीज़ को, और हमारे फेवर में जजमेंट आया। ओके, केस जीत गया। हाँ, मैं केस जीत गया। वही चीज़ था जो मैंने पहले बताया कि मैंने एक पर्सन को संभाला और उसको केस जितवाया, और दूसरा पर्सन ऑटोमेटिकली मेरा एनिमी बन गया। तो उस तरह से ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था जैसे आपने कहा, बट सेकेंड वे में वो मेरे लिए एक लास्ट भी चीज़ बन गई, क्योंकि जिस तरह से मारा मारी हुई है, और फिर बाद में मैंने सोचा भी था कि ये चीज़ हुई है, इसका कुछ ना कुछ करेंगे, लॉयर हूँ, कंप्लेंट करेंगे, कुछ करेंगे। तो बात है ना, घर तक भी पहुँच गई दूसरे दिन। ओके, तो अगर घर पे भी आ रहे हैं कुछ धमकी दे रहे हैं, तो मैं सोचा यार ये चीज़ सही नहीं है, दूसरा चीज़ क्या हो सकता है। तो मैं एक दिन एक लाइब्रेरी में जस्ट किताबें पढ़ रहा था, किताबें पढ़ते पढ़ते जस्ट मतलब बोर हो चुका था, और क्या कितने केस में था तब तक छोड़ा नहीं था, और किसी केस की तैयारी कर रहा था, तो केस लॉस पढ़ के बोर हो चुका था मैं, कुछ ना कुछ और, अभी कुछ और किताब पढ़ता हूँ। तो लाइब्रेरी में जस्ट ऐसे कितने सारे सेक्शंस होते हैं, उस सेक्शन में मैं गया, वहाँ पर एक था कि 3 ऑर्गेनाइजेशंस विच वुड नेवर फेल, ऐसा टाइटल था। बोला ये क्या चीज़ है जो 3 ऑर्गेनाइजेशन विच वुड नेवर फेल। वो किताब में पढ़ने लग गया, जस्ट उसका प्रीफेस पढ़ा, प्रीफेस में भी इंटरेस्टिंग लगा, फिर मैं इसका एक पेज पढ़ा, दो पेज पढ़ा, तो मतलब इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि मैं वो अपने टेबल पर लेकर आया और उसको पढ़ता गया। उसमें एक चीज़ उन्होंने जो प्रीफेस था उसी में वो चीज़ मैं बताता हूँ जिससे आपको पूरी बुक के बारे में समझ में आएगी। उन्होंने कहा कि 3 ऑर्गेनाइजेशन कभी फेल नहीं होती है। एक है हॉस्पिटल्स, करेक्ट, हॉस्पिटल्स कभी बंद नहीं होगी, वो हमेशा चालू रहती है। कोरोना के टाइम में भी वो चालू थी और उसको बंद नहीं कर सकते, वो एक बिजनेस नहीं है, वो चलता ही रहेगा। बिजनेस तो है ही वो अभी, लेकिन उसको बंद नहीं किया जा सकता। दूसरा है डिफेंस सेक्टर, करेक्ट, डिफेंस भी बंद नहीं कर सकते हैं कि भाई आज छुट्टी ले रहे हैं, आज कुछ नहीं है, तो कोई भी कब्जा कर लेगा आपका जमीन। तीसरा था लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक भी कभी बंद नहीं होता और वो भी चलता ही रहता है, क्योंकि देखा जाए तो हॉस्पिटल्स को भी डिफेंस ये लॉजिस्टिक्स लगती है, डिफेंस को भी लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। कोरोना के टाइम पे भी यही प्रूव हुआ था कि कितने जनों का तो 30% सैलरी कट, 70% सैलरी कट, किसी की सीधी जॉब ही गई, किसी को कुछ भी पैसे नहीं गए। मैं जब भी लॉजिस्टिक्स में था, मतलब लॉजिस्टिक्स में मैं जब भी गया जी ये सब देखने के बाद, पढ़ने के बाद, तो मुझे पता चला कि यार यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं कट रहा है, 100% सैलरी मुझे आ रही है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी लगी। और लॉजिस्टिक्स सिर्फ लैंड का नहीं है, लॉजिस्टिक्स एयर का भी है, लॉजिस्टिक्स मरीन्स का भी है, तो ये सेक्टर काफ़ी बड़ा है। तो इसको मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी कंपनी ढूंढे जो मुझे दोनों पे सपोर्ट करे। तो स्टार्टिंग में फेडेक्स में था, मुझे फेडेक्स में मिली, मैं गया गोवा में मुझे फेडेक्स में अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ पे लैंड का ही मैं कर रहा था, छोटे से ही एरिया का कवर कर रहा था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कुछ नहीं था और फील्ड डायरेक्टली मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि चेंज तो करनी थी, ये तो मैं लॉ का तो मैं चला नहीं पाऊँगा, तो लॉजिस्टिक्स विद लॉ, तो फिर मैंने पहले फेडेक्स में डिपार्टमेंट जैसे कंपनीज में, हाँ, लेकिन फेडेक्स में मेरे को वो नहीं मिला, मैं ढूंढ रहा था। ओके, अपॉर्चुनिटी तो चाहिए थी, मतलब जैसे एक ट्रेन जा रही है, वो ट्रेन आपकी एक डेस्टिनेशन पे ही जा रही है, लेकिन मैं मतलब मान लीजिए किसी खराब डब्बे में बैठा है, मुझे मालूम है स्टेशन में आगे जाऊँगा, तो एक ऐसी फेडेक्स की कंपनी थी जहाँ पर लॉ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा एरिया है, गोवा के किसी कैनकोना एरिया में वो उसका छोटा सा ऑफिस था, वहाँ पर मैं काम करने लग गया। और धीरे धीरे फिर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ और मिलने लग गई, फिर B2S जैसी एक स्टार्टअप कंपनी थी वहाँ पर भी मिल गई, वहाँ पर लीगल भी था, उनके मैं कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता था, मतलब एक कंपनी के साथ दूसरी कंपनी के साथ ये लोग जब टाइप करते तो कॉन्ट्रैक्ट्स में करता था, रिव्यूज़ में करता था, डॉक्यूमेंटेशन में बनाता था, एडवाइस भी मैं देता था, तो फिर ये मेरे लिए ड्यूअल अपॉर्चुनिटी बन गया, तो ये दोनों काम कर रहे हैं। ये चीज़ का एक्सपीरियंस देख के मुझे अमेज़न ने उठा लिया। अब फिलहाल मतलब मैं अमेज़ॉन में हूँ और अमेज़ॉन में यही चीज़ मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई जहाँ पर मैं ये दोनों काम कर पा रहा हूँ। यही चीज़ लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, यही चीज़ में मैं आर्ग्यूमेंट्स पे मतलब कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट लेकिन अपने ही ऑफिस में ही कहीं पे मुझे सुलवाना रहेगा तो फिर वो आराम से मैं वो कर सकता हूँ। तो ये दोनों काम साथ में चल रहा है। एंड देन ऑपरेशन पैन इंडिया, आज के डेट में मैं कुछ 18 स्टेट्स संभाल रहा हूँ। Amazon के यूजुअली केसेस किस तरह से होते होंगे? इस तरह से होते होंगे, लेट्स अज्यूम कि मैंने टीवी ऑर्डर किया था, मेरा टीवी खराब, उस चीज़ पे नहीं, उसके लिए तो हमारे कस्टमर केयर बैठा है। और Amazon के पास इतना पैसा है कि उसके ऊपर वो डिस्प्यूट नहीं करती है। तो फिर आपने की चीज आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, Amazon के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसा अभी ये कोको ब्लू हो गया, रिटेल्स हो गया, जो Amazon के वेयर हाउसेस संभालते हैं, तो वेयर हाउसेस के कॉन्ट्रैक्ट्स कि कहाँ पर आप ये मुझे सर्विस प्रोवाइड करोगे और कितने बजे तक दोगे, मेरे सामान को कुछ अगर हो गया तो इसका पैसा कौन देगा, कस्टमर का अभी आपने जो ये चीज़ कहा इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, वो पेपर पे पूरा डिफाइन रहता है। ये छोटे चीज़ पे ये नहीं होता कि और Amazon उसको ये भी नहीं करता, इतना ज़्यादा एंटरटेन भी नहीं करता। अगर कस्टमर को अगर चाहिए, इसने बोल दिया कि ये ऐसा डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, वो जीरो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी है Amazon में, वो उसको दूसरा दिलवा देगा। और ये जो पैसा जाता है वो इन बड़े कंपनियों का जाता है और इनकी मार्जिन इतनी बड़ी होती है क्योंकि करोड़ों में कमा रहे हैं, तो इनके लिए वो एक जस्ट 0.001% होगा उस टीवी के कॉस्ट का या फिर जो भी चीज़ का, तो इनका इतना प्रॉब्लम नहीं होता। समझा, Amazon यहाँ पे कमा रहा है, Amazon पैसे नहीं भरवा रहा है, वो सर्विस पार्टनर से करवा के ले रहा है, जैसे कोको ब्लू और रिटेल्स की मैंने बात की। क्लाउड टेल भी कुछ हद तक था, क्लाउड टेल तो बंद हो गया। मैं अगर लॉ की बात करूँ, वापस लॉ पे आऊँ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है और भी इस टाइप की चीज़ें हैं। फैसिनेटिंग सबसे ज़्यादा, उसमें कोई डाउट नहीं कि क्रिमिनल लॉ है, फिर सिविल लॉ आता है जिसके अंदर आप बाकी सारी चीज़ें करते हैं, फिर कॉर्पोरेट लॉ। अभी आप कॉर्पोरेट लॉ के अंदर एक तरीके से क्योंकि Amazon वगैरह संभाल रहे हैं, क्योंकि आपने दोनों लाइफ जी है, आपको किस में एक्चुअल में मज़ा आ रहा था? सिविल, अपना क्रिमिनल में, क्योंकि क्रिमिनल में ऐसा चीज़ था कि आप कोई भी केस पढ़ते हो वो एक नॉवेल बन जाता था। और जब भी हम लोग एक नोवेल पढ़ते हैं तो हम एक पूरे केस में लग जाते हैं, ये क्या हुआ रहेगा, सस्पेंस क्रिएट होता है, फिर ये किसने किया रहेगा, उस सस्पेंस के पीछे हम लोग भागना चालू करते हैं, उसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं। कॉर्पोरेट में क्या चीज़ है मुझे पता है, चार चीज़ें होनी चाहिए, वो चार चीज़ें है या नहीं मैं वो देखता रहूँगा, वो नहीं मिस है तो फिर मैं सिर्फ वो चीज़ लगवाने के लिए इंसिस्ट करूँगा, दैट्स ऑल। बट क्रिमिनल इज ऑसम। और कितने केसेस हैंडल करते हैं यूजुअली अगर एक सक्सेसफुल लॉयर है जिसके पास लोग जाना चाह रहे हैं, तो एक एट अ टाइम वो कितने केसेस हैंडल कर रहा होता है एक, और आइडियल कितने करने चाहिए एक किसी लॉयर को कि हाँ देखिए कोर्ट के प्रोसीडिंग्स, हाँ प्लीज कंटिन्यू, क्योंकि एक साथ कई सारी चीज़ें हैंडल करना, अलग अलग केसेस में दिमाग लगाना, जैसे हम तो मूवीज़ देखते हैं ना, मूवीज़ में होता है कि कोर्ट लॉयर को जाना पड़ता है फाइंडिंग्स ढूंढने के लिए, प्रूफ ढूंढने के लिए, अलग अलग। वो जूनियर करता है, करता है उसके लिए मैं बैठे, हम लोग मरते हैं। तो सच में ऐसा जाना होता है, रिलायबिलिटी रहती है। कितने केसेस हैंडल करना चाहिए एक लॉयर को कि हाँ इतने करूँगा तो मेरे लिए बेस्ट आउटकम? डिपेंड है उसका एक्सपीरियंस कितना है। अच्छा, तो जितनी उसकी सीनियरिटी रहेगी उतनी उसकी बड़ी टीम होगी, तो जितनी बड़ी टीम होगी तो फिर वो मैक्सिमम केसेस ले सकता है। जैसे अभी कोर्ट में हम लोग जब जाते हैं तो किसी कोर्ट के बारे मतलब किसी केस के बारे में जब हम लड़ते हैं वो ज़्यादा 20-25 मिनट के ऊपर नहीं चलता। अच्छा, तो पूरे दिन में से 20-25 मिनट अगर एक केस में जा रहा है तो आपके लिए कितने सारे केसेस की अपॉर्चुनिटीज़ है उसको लड़ने के लिए। तो फिर आपके पास पूरे दिन में मतलब कैसे 20-25 केसेस भी हो सकते हैं, 50 केसेस भी हो सकते हैं, डिपेंड कौन से ग्रेविटी की केसेस ले रहे हो। क्रिमिनल मोस्टली 20 मिनट में नहीं, उस पर ज़्यादा लगना पड़ता है, 20 मिनट तो खाली एक बंदा ही। अगर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर है, मतलब आईसी रोल है, मतलब होता है ना कि अगर आप टीम नहीं बनाना चाह रहे या स्टार्टिंग करियर है आपका और अभी किसी लॉयर के अंडर नहीं लगे और अपना खुद से स्टार्ट किया तो और एक दो मिल सकता है आपको, खाली एक दो मिलता है, एक मतलब मिलेगा तो उतना ही, उससे ज़्यादा केस नहीं मिल पाएगा। अगर मिला तो फिर वो पर्सन, जैसे मैंने कहा कि 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि देखिए हमने पढ़ाई इतनी की होती है कि अगर कोई केस अगर हमारे पास आ रहा है उसका 60% इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी होता है, हमें बस सिर्फ ये देखना रहता है किसने किया है। हमें पता तो है ये जो तुमने सिनेरियो किया है वो है क्या, वो पता है, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता ये किसने किया है उसके ऊपर ही हमारी फाइंडिंग्स होती है। उसको कितना टाइम लगेगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डिपेंड करता है कि वो पर्सन है भी या नहीं है। तो वो हम लोग एक दिन में भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर एक महीने में भी कर सकते हैं या फिर एक साल भी लग सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास केसेस है कम, लेकिन सॉरी केसेस से ज़्यादा, लेकिन आपके पास टाइम ऐसा है कि आप उसको ईजिली सॉल्व करवा सकते हो। अगर आपके पास जूनियर एडवोकेट है तो वो भी ईजिली कम मतलब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 3-4 दिन में ही आपका केसेस भी खत्म हो सकता है। नॉर्मली इतने बड़े बड़े केसेस जैसे निर्भया वाला है वैसे कोई सीन नहीं होती है, ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होती है। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आपको काफ़ी सारा टाइम लगता है, बिकॉज उस पर मीडिया डिपेंड करती है, उस पर काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, सरकार भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो वहाँ पर अगर आपको पता भी है कि ये चीज़ अगर हुई है तो आप सिंपली जजमेंट नहीं देते हैं, उस पर आप टाइम लगाते हो, उस पर आप तारीख लेते हो। लेकिन अगर एक नॉर्मल केसेस है कि जैसे अगर ये दो आदमियों के बीच में झगड़ा हो गया था, इसने इसको मारा है, जैसे हाफ मर्डर वाला कुछ चीज़ हो गया, उसका बिगाड़ दिया, तो फिर वो चीज़ को देखने के लिए कि इसने किया है या नहीं, और अगर समझ में आ जाता है फैक्ट ऑफ द केस कि हाँ ये भाई इसने किया है, विटनेस लोगों ने भी इसका नाम ले लिया है, तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा रुकते नहीं, इसको इसके दे देते हैं, केस इसके ऊपर डाल देते हैं। ये हो गया सेशन कोर्ट का केस, सेशन मतलब लोअर कोर्ट। फिर ये अगर बोलता है कि नहीं है मेरे साथ नाइंसाफी हुई है तो फिर ये हाई कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट में भी ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो आपके पास ऑप्शंस है, सुप्रीम कोर्ट इज लास्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं जा सकता। एक चीज़ थी, माना कि ये कोई सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग या फिर परसेप्शन, मान लो अंडरस्टैंडिंग तो नहीं कहूँगा, जब भी कुछ वर्डिक्ट आता है किसी कोर्ट का और एक जनता, क्योंकि एक जनता भी अपना वो बना लेती है ना कि ये सही है या ये गलत है, इस टाइप से, तो कई लोग जो है इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे सवाल उठाते हैं कि उनको लगता है कि अब वो बात नहीं रही, पैसे से चलता है, पैसा था इसलिए वो केस जीत गया। मैं ये चीज़ पे एग्री नहीं करता। हाँ, ये मैं स्ट्रांगली अगेंस्ट हूँ इस चीज़ पे। हम लोग जो जितना मेहनत करते हैं, जितना जज भी मेहनत करते हैं, वो चीज़ को मैं नहीं, मतलब ये आपकी चीज़ को सॉरी मैं मान नहीं पाऊँगा। पब्लिक का परसेप्शन होता है कि ये नहीं होता है यार, ये नहीं होता है, मतलब उन लोगों को कैसे भरोसा कम हो गया है लोगों का। हाँ, अगर केस जल्दी नहीं आता है या फिर मतलब कोई चीज़ होती है कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, जनता ऐसी है। हाँ, उनको अगर फास्ट ट्रैक का सोल्यूशन नहीं मिला तो वो लोग यही सोचते हैं इतना टाइम क्यों लग रहा है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं कि कभी हम लोग को, जैसे अभी मैंने निर्भया वाला चीज़ बताया, वो इजीली जजमेंट नहीं दे सकते उस पर, उस पर काफ़ी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काफ़ी लोगों की नज़र होती है। नहीं तो, इसमें अगर मैं जनता का पर्सपेक्टिव बताऊं, क्योंकि मैं भी जनता का पार्ट था, तो वो दोनों जब चीज़ें थी, क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली के अंदर वो सारी चीज़ें हुई थी, तो हम सबको ये ऐसा होता था कि अगर ये 6 लोग हैं या ये 5 लोग हैं तो उनको तुरंत कर दो ना, कि क्यों रोकना है, क्यों इतने टाइम तक जिंदा रखना है, क्यों इन्हें जेल में सड़ाना है। दैट इज़ नॉट जस्टिस, राइट। हाँ, जस्टिस तो ऐसी चीज़ है कि आपको पूरी तरह से 360 डिग्री से व्यू अगर मिल जाता है तो आप उसको दे सकते हो। अगर उस जस्टिस पे विटनेस मिल जाता है, अब जस्टिस पे नहीं, उसका केस पे अगर विटनेस मिल जाता है तो उस केस को रफा दफा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आगे के कोर्ट को वो सेटलमेंट कर सकता है या फिर वो आगे के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। लेकिन आप उसको बिना जाने, मतलब जस्टिस डायरेक्टली नहीं दे सकते अगर मुझे विटनेस भी नहीं है और मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है मेरा मन कर रहा है, मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू है कि ये ठीक है। ऐसा जजमेंट कभी पास नहीं होता। तो फिर इसके वजह से 4 दिन में आपको पता चल रहा है यही है और कौन है, क्योंकि जो दिखता है वो नॉर्मली वैसा नहीं होता। ये हम लोग नॉर्मली इस चीज़ को मानते हैं, तो जो दिखता है वो वैसा नहीं होगा तो उस हिसाब से वो रॉन्ग ही होगा। मुझे, क्योंकि मैं, आप मेरे दोस्त हैं, हम पीजी में एक साथ रहते हैं और काफ़ी बातें करते हैं, और जब बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें बात होती है, फैमिली की बात भी होती है, घूमने फिरने की बात होती है, बहुत सारी चीज़ें बात होती है। तो मुझे आपने बताया था एक बार कि जो आपके पापा थे वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, और इनकम टैक्स ऑफिसर होना इंडिया के अंदर, है ना, मुझे नहीं पता बाहर की कंट्रीज़ में किस तरह से उसको पोर्ट्रे किया जाता है या फिर रिप्रेजेंट किया जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर होना मतलब भाई साहब एक डर हो, आपके पापा इनकम टैक्स ऑफिसर होके सॉर्ट। तो एक एज अ किड मैं इसमें आपके वो जानना चाह रहा हूँ कि जब आपको पता था कि मैं, मेरा पापा तो इनकम टैक्स ऑफिसर है, नहीं, एज अ किड आपने कितना प्रिविलेज लिया और कितना रेस्पेक्ट मिलता है आपको अनइंटेंशनली इंटेंशनली कि अरे यार इसके पापा तो इनकम टैक्स ऑफिसर है। इंटेंशनली अनइंटेंशनली वाली कोई बात तो नहीं है। गर्व तो वैसे भी मुझे पापा के पर्सनैलिटी की वजह से था। मेरे पापा किसी से 1 रुपये कभी लेते नहीं थे, और हरिश्चंद्र की तरह पापा हर एक चीज़ को मतलब पूरी तरह से 100% सत्य के राह पर चल के उसको सॉल्व करवा देते थे, फिर वो कोई भी हो। और मेरे डैड तो साउथ बॉम्बे के थे, तो साउथ बॉम्बे में मतलब कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, इतने सारे लोग हैं, तो किसी को भी नहीं छोड़ते थे, सबको किया हुआ है। मैंने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को भी देखे हैं पापा के ज़रिए। तो फिर कहना ये है कि प्राउड तो मुझे पापा के पर्सनैलिटी से पहले ही था। एक चेरी ऑन द केक तो ये था कि मेरे डैड इनकम टैक्स ऑफिसर है। हाँ। तो उसका ये भी मिला मुझे कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो बिना किसी इंट्रोडक्शन के मेरा इंट्रोडक्शन हो जाता था। हाँ। और यही चीज़ कहीं कहीं खटकती भी थी कि अपना नाम करना है यार, पापा का नाम काहे को जोड़ते हैं, क्योंकि जिस दिन हमने कुछ किया, फिर हम 3 भाई हैं। हाँ। तीनों भाइयों में कॉम्पिटिशन भी होता है कि भाई मैंने क्या अचीव किया, तूने क्या अचीव किया। हाँ। तो अगर मैंने कुछ अचीव किया और कुछ मिल गया, और अगर किसी ने बाहर ने तीसरे पर्सन ने अगर कमेंट कर दिया कि तेरे डैड की वजह से मिला है। हाँ। तो वो एक चीज़ खटकती थी। हाँ। तो मतलब एक कहे तो 10% ऐसी चीज़ था जो खटकती थी कि यार ये से कैसे बोल दिया यार, मैंने मेहनत किया है। हाँ। अपने दम पे लॉयर बनाऊँ, अपने दम पे ये बनाऊँ, अपने दम पे मैंने किया है। तो वो चीज़ कभी कभी ऐसे निकलती है कि हाँ पापा की वजह से हुआ। हाँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पापा इतने परफेक्ट है कि पापा के वजह से ही मतलब गर्व हो जाता था कि यार ही इज़ माय फादर, गर्व से कहते थे। लेकिन उनके एक्चुअली उनसे मैं एक्चुअली एक चीज़ कहना भूल गया। मैंने एक जो चीज़ बताई थी, जैसे मैंने लॉ छोड़ दिया, तो मतलब इसके ज़रिए ऐसा एक मैसेज ना जाए किसी के पास कि लॉ ख़राब है। हाँ। या फिर आपको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। हाँ। क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर भी जब मेरे मतलब इनकम टैक्स में जब थे मेरे डैडी, उनको भी धमकियाँ आती थी। हाँ। उन्होंने भी ये सब झेला है। हाँ। लेकिन उन्होंने मतलब 56 इनके छाती के साथ झेला है। हाँ। काफ़ी सारे मतलब ऐसे आते थे, एक्सटर्शन कॉल्स आते थे कि बच्चे को तेरे को उठा के, मतलब मैं उसको उठा लूँगा, बीवी बच्चों को मार दूंगा, ये इस तरह से कॉल्स आते रहते हैं। नॉर्मल है, ये जो टीवी में दिखाते हैं वो सच है। हाँ। रेड मूवी जो आई थी ये भी उसके हिसाब से वो एकदम ट्रू है। पापा उसमें डरे नहीं थे। हम एक्चुअली मुंबई में 1993 से छोड़ के हम लोग किसी रूरल एरिया में चले गए थे जस्ट बिकॉज पापा मुझे मतलब संभालना मतलब बचाना चाह रहे थे क्योंकि पापा को कुछ कॉल आ रहे थे कि अगर हमारी केस अगर आपने फाइल रोकी नहीं या फिर तूने मुझे बताया नहीं कि कौन रेड करने वाला है किसके घर पे जाने वाले हो तो आपके साथ ऐसा ऐसा होगा आपके साथ वैसे वैसे होगा। अच्छी चीज़ें भी हुई है मतलब अच्छे मतलब डैड के हिसाब से नहीं घर में कभी डायमंड नेकलेस आया है कभी पैसों का बैग आया है कभी ऐसे ऐसे चीज़ें हुई है कि अरे आप ये हमारी तरफ से तोहफा ले लीजिए लेकिन हमारा प्रोजेक्ट चालू करवा दीजिए ये ऐसे भी केसेस हुए हैं लेकिन कभी किसी का एक नहीं है। कभी कभी हम भी बोलते थे पापा आपका जो प्यून है उसके पास 3-3 गाड़ी है इनोवा में वो आपको लेने आता है आपके पास फ़ोन नहीं है क्या कर रहे हो कुछ तो करो। मेरे डैड कहते थे कि यार तुम पढ़ाई करो यार तुम अपने बलबूते पे बनो और फिर बाद में अगर आपको लेना है तो आप लो। Okay. उसके लिए मतलब कौन सी किताबें चाहिए वो तो मैं कभी मना करता नहीं हूँ कहाँ पढ़ना है वो भी बता दो मैं वहाँ पे भी एडमिशन लेके दे दूंगा तुम सिर्फ अपना एक मार्ग ढूंढो और हासिल करो उसके बाद आपको जो करना है वो आपकी लाइफ। ये थोड़ा एक मतलब उस टाइम पे खटका था लेकिन जब बने एक्चुअल में तब लगा कि यार यार पैसा तो बहुत है खुद के पैसे पे आ रहा है। क्रिमिनल लॉ में मतलब ऐसी चीज़ था एक केस अगर जीत जाते थे तो हम लोग को मेरा जो लॉयर है वो एक हियरिंग का 1.5 लाख रुपए लेता था। और तो उस 1.5 लाख रुपए में एक केस में यूजुअली कितनी हियरिंग्स होती हैं? नॉर्मली चल जाएगा कि 6-7 हियरिंग्स तक तो नॉर्मली जाता ही है। तो उसको उतने पैसे तो मिलते ही हैं 1.5 से 15 लाख। ये नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाई प्रोफाइल केसेस तो करोड़ों में जाते हैं और वो 1.5 लाख का हमें 20% 30% मिल जाता था। और ऐसे एक केसेस नहीं, जो बड़े केसेस होते हैं उनमें बड़े लॉयर्स होते हैं, उनके पास केसेसों का भंडार होता है। तो हर चीज़ में अब मन नहीं करता वापस जाने का। मन तो पैसों के लिए करता है बट लेकिन जब मैंने फैमिली के बारे में सोचा तो मुझे वो उतना खास नहीं लगा। सर सलामत तो पगड़ी 50 सर है तब पगड़ी पहन पाऊँगा तो पैसा लेके करूँगा क्या। तो इसकी वजह से एक मॉर्निंग 9 to 5 वाला एक जॉब लिया जहाँ पर पैसा तो हैंडसम है ही उसमें भी बट लेकिन उतना नहीं जितना क्रिमिनल वाला है। यहाँ पे मेरे को एक सवाल है आपसे। जैसे आपने बताया कि आपके पापा इनकम टैक्स ऑफिसर थे और उनके पास भी इस टाइप से थ्रेट कॉल्स आते थे। आपने भी वो एक तरीके से झेला। अंकल लेकिन डटे रहे है ना, अंकल लेकिन कि योगा देखी जाएगी। आपने वहाँ पे सोचा कि नहीं मुझे वही करना है, मतलब करना है। तो कहीं लगता है कि पापा ने किया था मैं भी करता हूँ या फिर यस अभी एक्चुअली ऐसा बीच में कभी कभी लग जाता है कि कुछ इस पे सोल्यूशन निकाल सकता था या फिर मैं डटा रह सकता था। बट लेकिन 2014 में एक्चुअली देखो लॉ में मेरे पास एक्चुअली 3 डिग्रीज है। मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री कर रहा था, मुझे इंटरेस्ट था एटम बॉम्ब्स में, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो यूरेनियम प्लूटोनियम में उसमें बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इंटर्नशिप कर रहा था, उस टाइम की बात है। तो डैड ने एकदम अचानक से कहा था तू लॉ कर, मैं तुझे बताऊंगा कि करना क्या है लॉ में, तू लॉ कर, इसमें बहुत सारी चीज़ें और मुझे भी तेरी हेल्प चाहिए। जब डैड ने बोला मुझे भी तेरी हेल्प चाहिए मैंने खुद सोचा नहीं है, लॉ में जाके एडमिशन ले लिया। और जब एडमिशन ले लिया तो फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया। मतलब कट स्टार्ट में बता रहा हूँ मैं। मैंने एडमिशन ले लिया, सब कुछ हो गया। फर्स्ट ईयर में ही जब कुछ 6 महीने हो चुके तो डैड को हार्ट अटैक आ गया और डैड चल बसे। तो वो इन्फॉर्मेशन उनके साथ ही गई कि मुझे करना क्या था लॉ में। ओके, तो जब ये चीज़ अगर हो गई तो अभी करना क्या है। तो फिर मैंने कहा कि यार पापा ने कहा ये तो इसको पूरा कर देंगे। इसकी वजह से मैंने लॉ कंप्लीट किया और लॉ कंप्लीट करके फिर मैंने खुद से देखा भी कि ये मज़ा किस तरह से आ रहा है, क्या आ रहा है। मतलब सिर्फ कहना इतना ही है कि डैड ने अगर डैड होते तो फिर मुझे समझ में आता आगे करना क्या है और उनसे मैं तब पूछ सकता कि डैड मुझे अभी ऐसी धमकी मिली है, ऐसे ऐसे सिनेरियोज हुए हैं, अब क्या करना है, तब कुछ पता चल सकता था। लेकिन जब था ही नहीं, डैड ही नहीं थे जब भी मेरे पास, तो मैं ये सोच रहा था कि वो एक ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट बन चुका था कि और किसी को नहीं खोना है मुझे। तो उसके लिए फिर मुझे ये डिसीजन लेना था। तब पापा के सामने तो ऐसा था कि मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे हैं, उनमें से कोई खोया हुआ तो है नहीं, कभी उनके किसी के ऊपर आंच भी नहीं आने दी पापा ने। तो वो एक डर हमेशा से, ऐसा डर नहीं, वो एक हौसला हमेशा से रहता है कि मैं सब कर लूँगा, अब तक हो जाता है। लेकिन एक अगर ऐसा इंसिडेंट होता कि अगर कुछ हो जाता अनबन सा, तो फिर सेकंड शायद मेरे जैसा ही स्टेप पापा भी लेते, आई थिंक सो। बट पता नहीं, अभी पापा के पास तो काफ़ी सारे रिवेज होते थे, इतने जनों को उन्होंने हैंडल किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा होते तो फिर मैं ये डिसीजन शायद उनके अकॉर्डिंग ले सकता था। तो आई डोंट नो ये मेरा डिसीजन राइट है या नहीं, बट मुझे जो सही लगा मैंने उस स्टेप कर लिया। अभी आपने बोला कि मैं पढ़ाई जो है केमिस्ट्री और इन सब चीज़ के लिए कर रहा था, फिर अचानक से मैंने लॉ की पढ़ाई करना स्टार्ट किया। मुझे ये जानना है कि वैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडिया के अंदर हैं, जैसे जिंदल यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या फिर DU का जो है लॉ कैंपस है, या फिर और भी सारी जो लॉ यूनिवर्सिटीज़ में फेमस हैं। अगर कोई स्टूडेंट लेट्स अज्यूम कि वो 10th, 11th या 12th में स्कूलिंग में है और उसका मन है कि वो लॉयर बने, तो किस तरह से अपने माइंड को फ्रेम करे या किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तैयारी करे, या फिर एक होता ना कि इस टाइप की पर्सनालिटी बनाए कि वो एक अच्छा सक्सेसफुल लॉयर बन सके। देखिए मेरा एक व्यू इस तरह से रहेगा इस चीज़ को लेके कि एक पर्सन को क्या आगे करना है वो उसके स्कूलिंग में ही पता चल जाती है। साइंस वाला साइंस के इसमें देख लेगा, इंजीनियरिंग वाला भी साइंस के थ्रू ही देख लेगा, जिसको कॉमर्स करना है वो मैथ्स और किसी और चीज़ को देख लेगा, और जिसको लॉ करना है या फिर डिज़ाइनिंग कुछ करना है वो आर्ट्स को देखेगा। तो अगर आर्ट्स में उसको इंटरेस्ट दिख रहा है और उसमें देख रहा है कि वो सिविक्स में भी उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से हो रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, संविधान हमको क्या बताता है, अगर ये आपको स्कूलिंग में ही पता चलती है, मतलब अगर मैं किसी को अगर ये मैसेज देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि ना स्कूलिंग में ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर ही आपका इंटरेस्ट पूरी तरह से क्रिएट होता है, वहाँ पर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होता है कि आपको करना क्या है। मुझे केमिस्ट्री काफ़ी पसंद आई थी, केमिस्ट्री में जब रंग चेंज हो जाते थे मुझे अच्छा लगता था कि अब ये तो कर रहा था, ये कैसे बन गया, तो क्यूरियोसिटी जग गई कि ये कैसा हो गया, तो उसके ऊपर स्टडीज़ करना, ये करना, वो रिसर्च होना, ऑटोमेटिकली फिर मुझे पता चल गया कि मुझे ये काम करना है, ये चीज़ हो गई थी। ये तो इत्तेफाक की बात है, डैड ने अचानक से कोर्स चेंज करवाया था, वो तो एकदम अर्ली स्टेज था, लेकिन फिर भी कर लिया। मानता हूँ कि मैं वर्सेटाइल प्लेयर हूँ, लेकिन मैं हर कोई वर्सेटाइल होगा नहीं, क्योंकि जिस बच्चे को अगर चाहिए एक समझना कि मुझे आगे जाके क्या करना है, 12th के बाद अगर वो सोचता है मुझे आगे क्या करना है, तो लेट तो नहीं है बट लेकिन ऑलमोस्ट लेट तो है ही है वो, क्योंकि 12th के बाद तुम जानना चाह रहे हो या 10th के बाद जानना चाह रहे हो करना क्या है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ स्कूलिंग में ही ये चीज़ होना चाहिए। बट इनफैक्ट अगर मैं आपके क्वेश्चन में भी आऊँ 10th के बाद क्या करना है, तो मैं ये कहूँगा कि यूट्यूब सबसे बेस्ट है। यूट्यूब में काफ़ी सारे काउंसलिंग्स होते हैं, काफ़ी लाइव काउंसलिंग्स भी होती है, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि करना क्या होता है। आप उन काउंसलिंग्स में जा सकते हो, वहाँ पर आप बता सकते हैं, वो चीज़ बताते हैं कि ये किस तरह से आपको बेनिफिट देगा, पैसे कहाँ पर है और कौन से सेक्टर में ज़्यादा पैसे हैं, मतलब सेक्टर मतलब क्रिमिनल में है, क्रिमिनल वो करोगे तो फिर उसके बैकग्राउंड वगैरह शायद वो बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ होती है। मैट्रिमोनियल है, वो बेसिकली रिसर्च चालू कर दिया अपनी बाकी पढ़ाई के साथ। हाँ, अभी जिस तरह से मैंने अपना स्कूल लॉ यहाँ पे किया, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि कर्नाटका में अभी जितना भी आप बोलोगे, मैंने एडमिशन लिया था, मैंने एडमिशन ये सोच के लिया था कि यहाँ पे इंग्लिश में बात होगी, एंड यहाँ पर ऐसा था, उन्होंने एडमिशन के टाइम पे भी बताया गया था बकायदा कि यहाँ पर टीचिंग जो होगी वो इंग्लिश में होगी, लेकिन हो नहीं रहा था, हो रहा था कन्नड़ा में, इंग्लिश में पढ़ा जा रहा था और कन्नड़ा में सिखाया जा रहा था। हाँ। अब मुझे दोनों चीज़ नहीं, अगर मुझे सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना ही है वो तो मैं घर में भी पढ़ सकता हूँ। हाँ। सिर्फ पढ़ना ही तो है, तो फिर करें क्या अभी, तब YouTube मेरे काम आया था और YouTube मैंने जस्ट सर्च करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे लिए तो मैंने कंप्लेंट्स भी काफ़ी सारे किए थे, टीचर्स बार बार चेंज होते जा रहे थे और मैं इनडायरेक्टली दुश्मन बनाते जा रहा था, क्योंकि वो टीचर्स उनके लिए अच्छे थे क्योंकि वो उनके लैंग्वेज में उनको सिखा रहे थे, और ये तो अच्छी बात है कि यार किसी के स्टेट में अगर लैंग्वेज में सिखाया जा रहा है तो उनको वो और चीज़ पसंद आती है ऑटोमेटिकली। जैसा अभी हम बात कर रहे हैं, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, अगर हमने कहा था, मतलब सोचा रहेगा कि एक वीडियो के लिए हम इंग्लिश में बात करेंगे। हाँ। तो इंग्लिश में बात करते थे, कहीं ना कहीं हिंदी भी निकल ही जाता, राइट। हाँ। तो वही मेरे स्कूल में, वही लॉ स्कूल में भी वैसे ही चीज़ हो रहा था। तब मैं यूट्यूब करना स्टार्ट किया और तब वहाँ से मुझे पता चला। तो ये जब मैं आपका आंसर कर रहा हूँ 12th के बाद क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर इतने ऑप्शन है आपके पास कि आपको सारी चीज़ें पता चल सकती है कि कौन से सेक्शन में जाना है, कौन से सेक्शन में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। सारे सेक्शंस आपको जब पता चलेंगे तब आप उसको एक डिसाइड कर सकते हो और उस लॉयर को पकड़ सकते हो जो वो क्या कहते हैं सेक्शन का, वो सॉरी सेक्टर्स का, वो मतलब क्या कहते हैं स्पेशलाइजेशन का मास्टर्स। एक चीज़ मुझे हम यहाँ पे पूछनी है, तो फिर जैसे जिंदल यूनिवर्सिटी है या फिर जनरल, अच्छा हाँ जिंदल, या फिर DU का लॉ कैंपस है या फिर अलग, तो इनकी इम्पोर्टेंस और एक नॉर्मल लॉ कॉलेज की इम्पोर्टेंस इक्वल है, क्योंकि पढ़ाई तो इक्वल हो रही है या फिर कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। टीचिंग इम्पोर्टेंट है, टीचिंग इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर किताब में जो लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही अगर पढ़ना है तो किताबी नॉलेज आती है। आपको एक्सपीरियंस मतलब कैसे भी टीचर्स अपनी एक्सपीरियंसेस बताते हैं, हाँ। कुछ और एग्जांपल्स को लेके, हाँ। वो एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हाँ। कुछ एग्जांपल्स इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि बच्चों को एक ही एग्जांपल में पूरा केस समझ में आ जाता है, समझा। फिर वो कोई भी केस पढ़ेंगे वो समझ में आ जाता है, हाँ। वो टीचर की ब्यूटी होती है, वो स्टूडेंट्स को किस तरह से बता रहे हैं, हाँ। जो किताब में लिखा हुआ है वही अगर बता दिया तो जाहिर सी बात है कि किसी स्टूडेंट को वो समझ में आएगा, किसी के लिए नहीं, हाँ। लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे इतने कॉमन होते हैं कि अगर आपने वो एग्जांपल दे दिया तो ये मास में निकल जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। तो टीचर्स के इंटेलेक्चुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से। एंड देन यूनिवर्सिटीज़ जो बड़े बड़े हैं उनके पास ये चीज़ होती है, ये ट्रिक्स होती है, संभालना, समझाना और हर एक पे ऊपर ध्यान देना कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है। प्लेसमेंट्स होती हैं क्या? हाँ, मेरे कॉलेज से भी प्लेसमेंट्स थी। और लॉयर्स के प्लेसमेंट कुछ इस तरह से होते हैं क्या कि एक ये अच्छे लॉयर के पास पहुंचेगा, हाँ। या इस टाइप से पहुंचेगा। और एक लॉ अगर मैं कहूँ, प्लेसमेंट्स जो होती है ना वो कॉर्पोरेट लॉ की होती है। अच्छा, क्रिमिनल लॉ के लिए या सिविल लॉ के लिए वो तो प्लेसमेंट की बात नहीं है, वो प्रैक्टिस, वो तो प्रैक्टिस है। और वो प्रैक्टिस हमारे पास कैसा होता है, लास्ट ईयर में हमारे लिए ऐसा एक होता है कि इंटर्नशिप करना पड़ता है कंपलसरी। तो इंटर्नशिप पे आपको चूज करना है क्या करना है, उस इंटर्नशिप को आपको एक रिजल्ट दिखाना है। उस इंटर्नशिप पे आप इतना लॉ तो कर रहे हो, आप लास्ट ईयर तक तो समझ में आ गया रहेगा कि करना क्या है आपको आगे जाके। टैक्सेशन में जाना है या क्रिमिनल बनना है या सिविल में जाना है या गवर्नमेंट के लिए मतलब एग्जाम के लिए तैयारी करना है कि मतलब आप करना है। हाँ, लिटिगेशन तो मतलब वही है, ये सारी चीज़ें लिटिगेशन, एक लिटिगेशन एक कॉर्पोरेट है। मतलब गवर्नमेंट का लॉयर बनना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है, हाँ। तो वो चीज़ का एक आपको आइडिया आ जाता है। तो गवर्नमेंट लॉयर बनने के लिए गवर्नमेंट एग्जाम देना पड़ता है। हाँ, उसके लिए एग्जाम्स होते हैं। अच्छा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के एग्जाम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्स होते हैं। वो एग्जाम्स अगर क्लियर करते हो तो आपको गवर्नमेंट नौकरी मिल जाती है। ओके, उसमें ऐसी चीज़ होती है कि एकदम चिल नौकरी है वो। उसमें आपका विनिंग रेशो नहीं देखा जाता। हाँ, उसमें बस यही है कि आपको अगर लॉयर नहीं है आपके पास, हाँ। तो आपको दिया हमारी तरफ से लॉयर दिया जाएगा, हाँ। कौन दिया जाएगा ये नहीं बताया जाता है, हाँ। फिर वो पर्सन कोई भी उठाया जाता है कि तू कर ले, हाँ। ये कर ले। अब वो उसका किस तरह से होता होगा मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, हाँ। बट लेकिन मुझे जितना पता है कि सेम लॉयर सबके लिए नहीं होता है, कोई भी रैंडम सा एक चीज़ होगा। मैं हो सकता हूँ रॉन्ग भी हूँ यहाँ पे, बट मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है उसका। मैंने जितने देखे हैं अलग अलग केसेस में ही अलग अलग लॉयर्स आए हैं, हाँ। तो प्रोबेबली वो उस हिसाब से होंगे। हाँ, वहाँ पर भी सेक्टर्स डिवाइडेड होंगे कि ये क्रिमिनल है, हाँ। ये मैट्रिमोनियल है, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, मतलब गवर्नमेंट के केसेस देखेगा। तो वैसे डिवाइड रहेंगे, बट ये नहीं पता कि मैट्रिमोनियल में कितने होंगे, सिविल में कितने लॉयर्स होंगे या फिर इसमें कितने होंगे। तो वो उसका कुछ अंदाजा नहीं है, फिर वो कोई भी हो सकता है। और वो प्रोसेस मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है कि इस तरह से रहता होगा ना कि लेट्स अज्यूम कि मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और मुझे क्रिमिनल लॉ के लिए एक हाई प्रोफेशनल लॉयर के साथ जो प्रैक्टिस करनी है, तो मैं अपना जस्ट रिज्यूम दूँ कि सर ऐसे आई एम डूइंग लॉ फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी और आपके साथ मैं बस इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, बस आपसे सीखना चाहता हूँ, एक बेसिक वो। और फिर वो कहते होंगे चलो ठीक है, एक स्टाइपेंड तय हो गया और आपको ये सारी चीज़ें करनी है, बेसिक ये रेफरेंस लगानी है और पहुँचना है, बस वो हो जाता है। लेकिन हर बार आपको बड़े लॉयर्स नहीं मिलते हैं, हाँ। क्योंकि उनके पास तो डिमांड बहुत होती है, हाँ। आप एक्सेप्शनली गुड होने चाहिए, अच्छा, ऐसे लॉयर्स के पास आने के लिए, हाँ। नहीं तो फिर जो पढ़ाई नहीं कर रहा है उसके पास ऐसे लॉयर्स की रेफरेंस आ गई तो ये किसका बंदा था, ये इस लॉयर का बंदा था, तो फिर वो लॉयर के लिए भी वो एक चीज़ हो जाती है। हालांकि वो इतना कुछ मायने नहीं करता, बट लेकिन हमारे बार काउंसिल में या बार इसमें जब हम लोग का होता है बातचीत जब भी होती है एडवोकेट चैम्बर्स में, तब ये बोलते हैं कि ये इसका स्टूडेंट है या ये इसका चीज़ है। और ये जैसे मूवीज़ में कहता है कि आपका बार काउंसिल का जो मेंबरशिप वो जो कैंसिल हो जाएगी, वो यूजुअली किस किस बेसिस पे होता है? कोर्ट की तोहीन में, कि अगर आपने जज के बारे में, हाँ, जैसे मूवीज़ में दिखाया था, हाँ, जज के साथ कुछ बदतमीजी की, हाँ, तो आपका पहले तो आपको एक वार्निंग दी जाएगी, फिर अगर नहीं होता है तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ये एक चीज़ में होती है। फिर बाद में आपने अभी एक केस लड़ रहे हो, दूसरे एडवोकेट के साथ भी लड़ रहे हो, लेकिन एडवोकेट आपस में झगड़ रहे हैं, एडवोकेट के साथ ही मैंने झगड़ लिया, हाँ, कि तू तो झूठ बोल रहा है मेरे बारे में, और फटाफट उसने मारपीट कर दी, तो वहाँ पर लाइसेंस जा सकता है। और ऐसे केसेस में जहाँ पर आपको डिसेंसी आपकी जहाँ पर ना हो उस पर वो जा सकती है आपकी लाइसेंस। और कुछ चीज़ ऐसी भी चीज़ होती है कि जहाँ पर आपने कोर्ट का वक्त ज़ाया किया, कुछ ऐसी चीज़ें कि जहाँ पर आपको सबमिट करें, नहीं फेक प्रूफ का कुछ भी लेना देना नहीं है। अच्छा, अभी फेक केसेस ऐसे होते हैं, अभी मैं अगर ये इतना चीज़ तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, ऐसे कितने सारे केसेस है कि एक मैरिड कपल्स में कितने सारे औरतों ने फेक केसेस की होती है हस्बैंड के ऊपर कि डाउरी केस लगा दिया कि अगर मैं करना ही हूँ, शहर की बात कर रहा हूँ, तो वो तो फेक केसेस होती है, तो उसमें तो कुछ होता नहीं है। मतलब अगर ये केस फेक है और फिर जज को समझ में आ जाता है तो ये चीज़ को हम लोग वही बोल देते हैं कि ठीक है ये केस की कोई वैलिडिटी नहीं है, ये इस चीज़ को यहीं पे रद्द कर देते हैं, वो वहाँ पर हो जाता है, उसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है। ओके, बट लेकिन हाँ कुछ कुछ केस में है क्रिमिनल्स में, अगर आपने झूठ बोला और अगर कोर्ट का वक्त ज़ाया किया तो आपका पनिशमेंट और बढ़ सकता है। बढ़े। एक और क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि अब एआई का ज़माना आ गया है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और क्योंकि मैं ये चीज़ जो है हर जब जिनसे भी मैं बातचीत कर रहा हूँ सबसे पूछता हूँ, और जब से एआई आया ना तब से लोगों के मन में क्यूरियोसिटी तो जागी जागी कि अब कुछ नया होने वाला है, क्योंकि इट्स अ गुड थिंग, गुड फेज, लेकिन कहीं ना कहीं कई लोगों के मन में ये डर भी बैठेगी कि हमारी जॉब पे खतरा है, क्योंकि सारे सॉल्यूशन तो एआई दे रहा है। अब लॉ जहाँ पे ऑल दो जहाँ पे सारे एक्सपीरियंस मैटर करेगा, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप किस तरह से बातों को रख रहे हो, लेकिन एआई और ये सारा रोबोटिक सिस्टम जितना है, क्या इस पे इफेक्ट आएगा लॉ पे? लॉ पे नहीं, बिजनेस पे इफेक्ट आ सकता है। लोग ज़्यादा सर्च मार सकते हैं, अगर उनको कोई तकलीफ सॉरी उनको कोई चीज़ पे अगर तकलीफ होगी या वो कहीं चीज़ पे अटक गए जहाँ पर उनको लीगल एडवाइस लेना होगा, तो वो नॉर्मली क्या करेंगे, एआई में जाएंगे, वहाँ पर सर्च मार लेंगे, वहाँ पर उस सर्च में उनको वो आंसर्स पता चल जाएगा। मतलब तो ऐसा होगा कि लॉयर्स का बिजनेस कम होने लगा कि ये तो खुद ही लड़ रहे हैं लोग अपना केस, 50-50 है। हाँ देखिए, मतलब आपको अगर मिल भी जाए लीगल एडवाइस ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, केसेस नहीं जाएंगे। आपको अगर एडवाइस दे भी दिया एआई ने, एआई आपका केस नहीं लड़ेगा। हाँ, आपको केस तो लॉयर से ही लड़वाना है। ऐसा नहीं तो होता क्या कि लेट्स अज्यूम कि आपको अपना केस खुद लड़ना है? हाँ, ऐसे काफ़ी सिचुएशंस हुए हैं, लेकिन फिर बाद में आपको एक क्या कहते हैं, रीजनेबल एक्सक्यूज़ देना पड़ता है कि आपको खुद का केस क्यों लड़ना है। अच्छा, क्योंकि अगर आपके पास अगर आप लॉयर नहीं है तो भी खुद का केस लड़ सकते हैं। नहीं, आपके पास देखिए केस लड़ने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि जज हर किसी से बात नहीं करता। ओके, जज से बात करने के लिए आपको एडवोकेट ही बनना पड़ता है। अच्छा, और एडवोकेट ही आर्ग्यू करेगा। नहीं तो फिर हर किसी से जज एडवोकेट के बारे में बात ना करके वो डायरेक्टली वो जो डिफेंडेंट है और जो पेटिशनर रहेगा वो क्या करेंगे, वो उनसे ही पूछेंगे तेरा क्या प्रॉब्लम है, तेरा क्या ये है। वो उनसे बात नहीं करता है, वो उनसे सिर्फ सवाल जवाब करता है। बातचीत सिर्फ होगी तो एडवोकेट्स के पास आती है। तो जो दिखाते हैं कि मैं अपना केस खुद लड़ लूँगा और वो लॉयर वर नहीं होता है, रीजनेबल एक्सक्यूजेस में होते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास भी इसके एक्सिया मतलब कोई है नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसे कभी होता नहीं है कि मैंने अपना केस लड़ लिया तो खुद ही कर लिया। हाँ, सिविल केसेस में होते हैं। जैसे अभी कंज्यूमर कोर्ट, आप अगर आपके साथ अगर आपको पता चल रहा है, जैसे आप रेलवे में जा रहे हो और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि खाना अच्छा नहीं था, खाने में आपने देख लिया कि कुछ चीज़ ऐसी है जो उसमें नहीं होनी चाहिए थी और ये इसमें आपकी जान जा सकती थी, आप रेलवे पे केस कर सकते हो, तो बकायदा खुद ही ये बोल के कि मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगा। रीजनेबल एक्सक्यूज है ये। अगर मैं कोर्ट पे अगर ये चीज़ पे मुझे पैसे कितने मिलेंगे, कोर्ट को हायर करूंगा तो फिर मैं कोर्ट का मतलब मुझे उसकी फीस कितनी देनी पड़ेगी, तो ये मेरे लिए कितना मतलब बेनिफिट रहा, तो उस हिसाब से वो चीज़ ये होती है कि हाँ मैं अपना चीज़ लड़ सकता हूँ। कंज्यूमर में तो होता है कि खुद से अपना लड़ा जा सकता है आराम से। ऐसे चीज़ें हुए हैं, मैंने भी अपना एक काम मेरे से भी हुआ था, रेलवे का कुछ, रेलवे नहीं मतलब जैसे एक फ्रूटी कंपनी थी, फ्रूटी कंपनी में कुछ ग्रीन कलर के कुछ चीज़ आती थी बीच में, पता नहीं क्या चीज़ रहती थी वो, मैंने जस्ट कंज्यूमर में कोर्ट में उसका एक केस का डाल दिया था और बातों में वो जीत गया था, क्योंकि वो उस चीज़ वो डब्बे में वो चीज़ बोली नहीं चाहिए थी, पाउच था और उसमें वो ग्रीन कलर का जो चीज़ था वो पता नहीं क्या था, बट लेकिन केस मेरे फेवर में आया था। मैं तब लॉयर भी नहीं था। जीतने के बाद क्या है, मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं क्या? रहता है मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, मुझे कुछ 25,000 रुपये दिए थे। अच्छा, ये बात है कुछ 2006-7 मतलब 11-12 में था मैं तभी। ओह तब की बात है, तभी अंकल ने कहा था कि बेटे लॉ कर दो। हो सकता है, बट लेकिन मेरे पापा ने एक्सक्यूज जो दिया वो ये था कि तू आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा करता है, अगर जो आर्ग्यूमेंट करता है तो वो लॉ में जा सकता है। कितना एक्सप्रेसिव होना जरूरी है एक लॉयर के लिए? क्या इंट्रोवर्ट भी लॉयर बन सकते हैं? नहीं, इंट्रोवर्ट अगर लॉयर बनेगा तो वो जज साहब वो बात करते करते ही वो ऐसा हो जाएगा कि जो क्लाइंट है वो देखता रहेगा, बोलना मैं बोलूं तो इंट्रोवर्ट नहीं बन सकता है। मैं खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन प्रैक्टिस ऐसी चीज़ होती है कि वो इट मेक्स यू परफेक्ट। मुझे नॉर्मली नए लोगों से बात करना मतलब जमता है नहीं। और अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर किसी क्लाइंट से मैं कैसे बात करूँगा? तो प्रैक्टिस जब भी होती रहती है हमारे स्कूलिंग के टाइम पे, तो इट मेक्स यू बोल्ड एंड देन स्ट्रॉन्गर एज वेल। नॉट इन अ वे कि जो मुझे मारा था वो स्ट्रॉन्ग नहीं, बट एटलीस्ट इन अ वे कि आप यू कैन डिफेंड योर केस और एक्सप्रेस, यू कैन टेक एनी केस, एक्सप्रेस कर सके। या दैट पॉइंट मतलब है ऐसे सारे केसेस जो मैंने देखे हैं कि इंट्रोवर्ट है, मैंने देखे हैं, और वो एक हंसी का मुद्दा बन जाता है। अच्छा, और फिर बाद में लॉयर जज ही खुद बोलता है, भाई साहब कुछ बोलोगे? नहीं बोलोगे तो कैसा चलेगा? एक काम करते, ठीक है आप मत बोलो, आप इधर बैठो, आप कटघरे में खड़े रहो, क्लाइंट को इधर बुलाइए। और बकायदा क्लाइंट ने बताया ऐसा चीज हुआ, उसको बोलने ही नहीं आ रहा था। क्योंकि हुआ क्या था, उसने बाद में, मैंने जब उससे पूछा कि भाई ये क्या किया तूने सबके सामने इस तरह से, कुछ बात नहीं कर रहा, कुछ तो बोल। बोलता है नहीं यार, मेरा केस दूसरे के पास था और मुझे अचानक से भेज दिया गया था। अच्छा। मुझे इस केस के बारे में नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो कुछ गलत बोल, लेकिन बोला ये इंट्रोवर्ट का ही एक्सप्रेशन हो गया। मैं सिर्फ जज की बात बता रहा हूँ कि अगर ऐसा सिचुएशन अगर आता है तो जज नॉर्मली फिर तब जाके क्लाइंट से बात कर लेगा। क्लाइंट मतलब ये इसका क्लाइंट से बात कर लेगा, डिपेंडेंट या जो भी रहेगा पेटिशनर। नाइस, ये चीज़ होती रहती है यार, मतलब कोर्ट में भी काफ़ी सारे ऐसी चीज़ होती है। एक सिलसिला मैंने ऐसा देखा था कि एक लड़की, कोर्ट में डिसेंसी होती है राइट, एक लड़की शॉर्ट्स पहन के आई थी। अब कोर्ट में तो जाहिर सी बात है कि भाई आप इस तरह से कोई कपड़ा फैंसी नहीं पहन सकते, और नॉर्मली लोगों को ये पता नहीं है। वो पहन के आई थी और जज को ही बोल दिया था कि आप जानते नहीं हो मेरे डैड कौन है। हो गया, इसको भी साइड में ले लिया, पुलिस को बुलाया कि भाई इनको दिखाओ जरा एक दिन में, और डैड को भी बुलाओ, देखो उसको बताओ कि मैं कौन हूँ जरा। ये भी सिलसिले देख लिया मैंने। तो जज के सामने भाई बकचोदी नहीं चलती वहाँ पे मतलब वो आपका कुछ भी कर सकता है। आपको एक रात के लिए जेल भी कर सकता है, आपको 5 दिन की सजा भी दे सकता है, या 1 हफ्ते तक का भी दे सकता है। ज़्यादा नहीं, लेकिन दे तो सकता है भाई, उसके पास पावर है। वो डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं हम लोग उसको, उसके पास पावर है, बकचोदी उनसे मत करो। ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? लेट्स अज्यूम जैसे मैं एक नॉर्मल सिविलियन हूँ और मुझे किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग देखनी है, तो एज अ सिविलियन मैं किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग देख सकता हूँ? हाँ, आप अभी भी किसी हाई कोर्ट में जा सकते हो, सिविल कोर्ट में जा सकते हो, किसी भी प्रोसीडिंग्स देख सकते हो। और रैंडम एंट्री मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर क्या? अरे कुछ लोग तो सिर्फ एसी का हवा खाने आ जाते हैं। अच्छा इतना क्या, कोई भी आ जाता है। तो जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि वो पीछे जो भीड़ रहती है, वो सब भी होता है? वो हाँ होता है ना, पूरे नॉर्मली सब लॉयर्स ही बैठे रहते हैं। अच्छा। पब्लिक लोग लास्ट में बैठे होते हैं और पत्रकार लोग भी लास्ट में बैठे हुए रहते हैं। पत्रकार भी सिर्फ नॉर्मली लिखते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। अच्छा। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं चलता। हाँ मतलब आप अगर रिकॉर्डिंग भी कर लेते हो उसको आप कभी पब्लिश नहीं कर सकते हो। अच्छा। पब्लिश कर दिए तो मतलब आपने गुनाह कर दिया। समझा। तो खाली इतना ही है कि जो बोला गया है वो आप लिखोगे, इतना आप पब्लिश कर सकते हो। और जैसे आप कह रहे थे कि कोई भी बैठ सकता है या नहीं, वो तो मेरा प्रैक्टिस उसी से स्टार्ट हुआ था। ओह। तो मतलब मैं हर मतलब ये केस में मैं देख रहा हूँ, अभी ये केस अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ तो इधर जाके बैठ जाता था और देखता रहता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये कैसा लड़ रहा है, इसने कैसे बात किया, और एडवोकेट्स आपस में कैसे लड़ रहे हैं, और फिर बाद में लड़ने के बाद वो बाहर जाके दोस्त कैसे बन रहे हैं। मतलब यहाँ पर झगड़ा ऐसे करेंगे कि जज के सामने लगेगा कि ये दोनों बाहर जाके तू बाहर मिल। इस तरह से झगड़ा होता है, बट लेकिन जैसे ही चेम्बर्स में जाएंगे गले मिला लेंगे, सॉरी यार, होता रहता है केस में। मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। पहला, इस लैंग्वेज मैटर, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा तवज्जो मिलती है और आपको आपकी बातों में थोड़ा वजन आ जाता है, तो इस लैंग्वेज मैटर इन दिस? हाई कोर्ट में तो सिर्फ इंग्लिश ही बात करता है। अच्छा। उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं। और किसी लॉयर को इंग्लिश ना आती हो बोलने और उतना कम्फर्टेबल तो दूसरे लॉयर्स को हायर करना होगा। अच्छा। हिंदी में कोई बात नहीं करता, क्योंकि देखिए जज कैसे होते हैं ना, अभी दिल्ली में दिल्ली वाला लॉयर नहीं होता, और सॉरी जज नहीं होता, दिल्ली में होगा साउथ का लॉयर जज। ऐसा क्यों? हाँ क्योंकि फिर वो नहीं तो अनड्यू एडवांटेज हो जाएगा, अरे ये तो मेरे को जानता हूँ, ये तो इसका बच्चा है, ओ ये तो राइट रहेगा, मैं इसके ऊपर ही दे देता हूँ, ये तो भाई बचपन से मैं जानता हूँ। बायस नहीं आनी चाहिए, बायस वही होगा ना, तो मैं अभी उसी पे ही आना चाहिए था। ओके, कि मतलब ऐसे जजमेंट्स होंगे जो बायस होंगे पूरी तरह से, अनड्यू एडवांटेज होंगे, काफ़ी सारे ऐसे केसेस हो जाएंगे कि मतलब जो शुरू होते ही खत्म हो जाएंगे, यही मान के कि मतलब देखिए केस ऐसा होता है कि जज अगर एक्सेप्ट करता है आपका केस तब आपको तारीख दी जाती है, आपने फाइल किया है, वो फाइल में अगर केस अगर ऐसा हुआ है कि ये जज को पसंद नहीं है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है आपके केस को, काफ़ी सारे केस रिजेक्ट भी कर सकते हैं सॉरी जज। तो फिर ऐसा होता है राजस्थान में बैठा होगा साउथ का या फिर वेस्ट बंगाल का, तो हर किसी को रीजनल लैंग्वेज नहीं आएगा, हाँ सिर्फ हाई कोर्ट में, और सेशन जज ऐसा होता है, लोअर कोर्ट्स ऐसे होते हैं जो वहीं के ही एडवोकेट्स होते हैं, वहीं रहता है, उनको कहीं पे बाहर का गवर्नमेंट क्वार्टर्स वगैरह ये सब नहीं दिया जाता, तो वो वहीं के ही होता है, वहाँ पर रीजनल लोकल लैंग्वेज चलता है। तो अगर लेकिन हाई कोर्ट में अटक जाए इंग्लिश बोलते हुए और हिंदी बोलना या फिर मैं नेटिव लैंग्वेज बोलना स्टार्ट करता हूँ, नहीं चलो नेटिव तो मैं कह सकता हूँ कि लेट्स अज्यूम कि कोई कन्नड़ा बोलना स्टार्ट कर दो डेली के अंदर, आपको तारीख दी जाएगी, आपको तारीख दी जाएगी, प्रिपेयर एंड कम अगेन। अच्छा, इस तरह से आपको तारीख दी जाएगी। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। हाँ, बिकॉज इंग्लिश कैन ऑल्सो बी आई मीन क्या बोलते हैं तो मीनिंग उसको वो दे सकता है। अच्छा, नीड टू बी क्या बोलता है, एकदम आपको जो बोलना है आपको वही वर्ड यूज़ करना होगा, क्योंकि हम लॉयर्स वर्ड्स को पकड़ते हैं। उस वर्ड को अगर मैंने पकड़ लिया उसके दो मीनिंग निकलते हैं, तो मैं उस चीज़ को फाइट कर सकता हूँ और उसको एम्बिग्यूटी बना सकता हूँ। ओके, तो फिर मतलब इस तरह से कि आपने कुछ कह दिया, उसके दो मीनिंग निकलते हैं, मैंने पकड़ लिया उस चीज़ को, और इसने तो ये कहा था, इसका मतलब तो ये, इसके लिए मैंने ये किया, आप ही बताइए अभी मैंने रॉन्ग किया है, मैं अपने फेवर पे लेकर आया केस। तो इनको ऐसा कहना पड़ेगा, क्योंकि आप जब लॉ पढ़ोगे कितने सारे ऐसे चीज़ होती है यहाँ पे कि आप जब पढ़ोगे एक ही चीज़ है कि भाई ये काम नहीं करना है, तो आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम आपको करना भी नहीं चाहिए, ये काम आपसे हो भी नहीं सकता, ये काम मेक श्योर कि ये आदमी ना करे, ये सारे चार सेंटेंस, मतलब एक ही चीज़ है कि आपको करना नहीं है वो काम, लेकिन इसके चार सेंटेंस बना दिए क्योंकि उसमें सारे क्लॉजेस बंद हो जाए, उसमें कोई एक एम्बिग्यूटी बने ही नहीं कि मुझे जो कहना है वो साफ साफ ये चीज़ है, लूपहोल छोड़ना ही नहीं छोड़ना है। तो फिर इंग्लिश ऐसी चीज़ है कि आपको वो चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उस पर आपको, इसके लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट भी है लीगल इंग्लिश। अच्छा, लीगल इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश से कुछ ज़्यादा ये नहीं है, बट उसमें हम लोग को सिखाया जाता है कि कौन से दो मीनिंग्स होते हैं, किसके क्या क्या चीज़ होती है, उस चीज़ को यूज़ नहीं करना है, अगर यूज़ करते हो तो ये याद रखना है कि इसके आगे की क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, ये चीज़ को पकड़ के आपको कौन से चीज़ में पकड़ा जा सकता है, तो वो चीज़ आपको समझाई जाती है लीगल इंग्लिश में। ये चीज़ है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि चल ही रहा है अच्छे से यार, बात करते रहेंगे। आखिरी सवाल मुझे पूछना है आपसे कि ऐसा मतलब, क्योंकि मैं तो ज़्यादा नहीं जानता लॉ के बारे में, लेकिन जितना भी आपने देखा और सुना और जाना है कि प्रूफ्स पहले से सबमिट करने पड़ते हैं कोर्ट्स के अंदर, और ये सामने वाले लॉयर को भी पता होता है कि ये चीज़ आ चुकी है, लेकिन जैसे मूवीज़ में दिखा देते हैं कि अचानक से हमने गवाह पेश कर दिया है ना, या फिर ये चीज़ हमने डॉक्यूमेंट पेश कर दिया और उसके बाद से, तो ये रियलिटी है। लेकिन अगर सामने से आप पहले से अगर आपको प्रूफ सबमिट करने हैं तो सामने वाला लॉयर तो ऑलरेडी अवेयर हो चुका है ना कि अब तो ये चीज़ है, इसके काउंटर में ये कर सकता हूँ। हाँ नहीं, देखिए होता क्या है लॉ, मतलब रूल्स क्या है कि एक होता है कि एक मैंने एक विटनेस को लाया, विटनेस में ऐसा होता है कि दूसरे एडवोकेट को भी क्रॉस एग्जामिनेशन करना देना चाहिए। पहले मैं एग्जामिनेशन करता हूँ, मेरा क्लाइंट है, मैंने विटनेस मतलब मेरा विटनेस है, मैंने बुलाया और मैं ये विटनेस से मतलब वो फैक्ट निकलवा रहा हूँ जो मेरे केस को सपोर्ट करेगा। वो एग्जामिनेशन होता है, वो एग्जामिनेशन में जज के सामने उसको पेश करवाता हूँ। फिर यही चीज़ को, इसी एग्जामिनेशन को रॉन्ग करने के लिए अगर मतलब या फिर इसने जो बोला है वो सच है या झूठ है, ये दूसरे एडवोकेट को भी एक अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़रूरी होता है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोलता है। वो ये चीज़ बोल सकता है कि अरे आप तो कह रहे थे कि आपने ये सब कुछ देखा है, लेकिन ये टिकट के अनुसार तो आप तो यहाँ नहीं थे, आप तो मूवी देख रहे थे। और थ्रेड्स भी तो आते होंगे ना विटनेसेस को? अरे थ्रेड तो है ही यार, मतलब आप तो अब किसी भी चीज़ में देखो विटनेस तो, मतलब ज़्यादातर मेरे जितने एक्सपीरियंस हुए हैं, विटनेस मोस्टली नहीं आता है, उनको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, उनको पैसा देना पड़ता है, बाकायदा कुछ बॉडीगार्ड्स लगाने पड़ते हैं कि भाई तुझे कुछ नहीं होगा, तू आ, तू बात कर, तू अगेंस्ट इस पे खड़ा होता है, तू ये सब कर, ये सब चीज़ें होती है। स्टार्टिंग में नहीं, हर किसी को नहीं, बट जो आना ही नहीं चाहता है, और वो एक ऐसा इकलौता चीज़ है जो बोलेगा तो ही जाके कुछ होगा और उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। ऑपोजिशन लॉयर को अगर पता चल गया कि वो आ रहा है या आ रही है ऐसा विटनेस, तो वो उसके ऊपर नॉर्मली उसके फैक्ट्स निकालेगा, उसके जितने भी रॉन्ग उसने ज़िंदगी में किए होंगे उसको मानहानि करने के लिए, वो सारी चीज़ें उसकी बाहर निकालेगा। और ये बताना बहुत ज़रूरी है लॉयर्स को कि मैं किसको बुलाने वाला हूँ, ताकि ये उसके बारे में भी एग्जामिनेशन मतलब स्टडी कर सके, देख सके, हाँ, जान सके। तो कोई चीज़ ऐसी होती है कि एक पर्सन ने जो विटनेस देखा है कि भाई मैंने ये चीज़ देखी है, मेरे आँखों तले ये चीज़ हुई है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में ये चीज़ होता है कि लास्ट टाइम भी आप एक बार केस में आए थे, उसमें तो ये साबित हुआ था कि आपने कोर्ट में झूठी गवाही दी थी। अगर एक बार अगर उसने झूठी गवाही दी है, ये प्रूफ हो गया, ये तो मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, झूठी गवाही दी है तो मतलब ये क्या हो गया इसका, तो विटनेस कैरेक्टर, विटनेस को भी ऐसे सजा मिल सकती है, पनिशमेंट, सजा नहीं मिलती, पनिशमेंट पनिश किया जाता है, केस सिर्फ जजमेंट, वो डिपेंड भी करता है कि मतलब किस बेस पे उसने किया है। अच्छा, लेकिन इसके पीछे कितने सारी कहानियाँ भी हो सकती है, मेरे को इसने बोल दिया ऐसे करने के लिए, जज ने बोल दिया करने के लिए। नॉर्मली विटनेस को इतना ये सब नहीं किया जाता, केस ज़्यादातर जस्टिस मतलब इसी के ऊपर हो रहा है कि जजमेंट मतलब जस्टिस किसको दी जाए, उसको ज़्यादा फोकस नहीं, तो फिर वो भटकता जाएगा, आगे चलता जाएगा, ये बोलेगा कि मेरे को इसने बताया, फिर ये बोलेगा मैंने तो बताया नहीं है, फिर ये दूसरा केस चालू हो जाएगा, वो नहीं कर सकता है कोर्ट, तो इसके लिए वो एक चीज़ को पकड़ा जा सकता है, बट लेकिन हाँ वार्निंग दी जा सकती है, एक बार हुआ है, दो बार हुआ है, बार बार कोर्ट में आके अगर तू कर रहा है तो भाई तेरे को ले ले 3 महीने की सज़ा दे सकता है वो। ठीक है, एकदम लास्ट क्वेश्चन। अरे पूछिए यार, फीस ले रहा हूँ इसकी। लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस है? वैसे देखा जाए तो बैरिस्टर और एडवोकेट में फ़र्क है, लॉयर और एडवोकेट में फ़र्क नहीं है। अगर मैं कहूँगा आई एम अ लॉयर, मेरे बोर्ड में लिखा रहेगा एडवोकेट, वो दोनों सेम है। अच्छा। बैरिस्टर एक ऐसी चीज़ होती है जो जज के सामने बैठे रहते हैं और वो जो टाइप्स करते रहते हैं, हाँ। और जज जो बोलता है वो सारे वो काम करते रहते हैं, मतलब गवर्नमेंट वाले काम, हाँ। वो चीज़ हो गया बैरिस्टर वाला। अच्छा, लेकिन हाँ जितना मैं जानता हूँ लॉयर और एडवोकेट उतने सेम ही है। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन, जैसा मैंने कहा कि यार मैं लॉयर बाय प्रोफेशन, लेकिन अगर मैं जब जाता हूँ तो फिर मेरा नाम एडवोकेट पंकेश लगेगा। अच्छा, तो इट्स डज नॉट मेक एनी डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मी। ये तो स्कूल में कभी ऐसा बताया नहीं गया है कि इसमें डिफरेंस क्या है, बट जितना मुझे पता है कि बैरिस्टर का मतलब ये होता है कि जो वहाँ पर बैठा है उसको बैरिस्टर ही बुला रहे हैं, लॉ ऑफिसर बुलाते हैं, बैरिस्टर का दूसरा ऑफिसर। लेकिन ये नाम अभी नहीं लिया जाता है, ये अंग्रेजों के ज़माने में था, अभी सिर्फ एक ही चलता है लॉ ऑफिसर जो कोर्ट में बैठा रहेगा, बैरिस्टर नाम हटा दिया हमने, क्योंकि बैरिस्टर ऐसा भी है कि जिसने कुछ 11th या डिग्री पास की उसको भी बैरिस्टर बोलते थे, तो वो नाम हटा दिया और अब सिर्फ लॉयर और एडवोकेट के बीच में जाम मतलब ज़्यादातर बहस होती है, ये लॉयर है ये एडवोकेट है, बस ऐसे। हाँ, मतलब ये लॉयर है एडवोकेट मतलब एक ही चीज़ है भाई। हाँ। मैं मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ ये लॉयर है ये एडवोकेट है, ऐसा नहीं बोल रहा। ओके, दोनों मीनिंग सेम ही है, बट जस्ट इतना ही है कि आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, आपको उस टाइम पे क्या याद आ रहा है, एडवोकेट या लॉयर बोल दो। चलो, थैंक यू सो मच पंकेश भाई। थैंक यू सो मच। मेरा अकाउंट नंबर है ना आपके पास? भिजवा देना। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक्स।